तो मैं मेमोरी इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने लास्ट टाइम क्या कराया था किसी को याद है कि नहीं है एस सी एफ एन लास्ट क्वेश्चन क्या था जिसे मैं करा रहा था P प्लस क्यू वाला कुछ क्वेश्चन था ऑन फॉर्मूला बेस्ड है तो मैंने ये बोला था कि टेंशन मत लो जब क्लास स्टार्ट होगी आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ठीक है क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल बोल गया था उस टाइम तक और मैं नहीं चाहता था कि अगर किसी को कोई बीमारी लग गई तो मेरे नाम पर रख दें कि सर ने क्वेश्चन ऐसा कराया था कि हमें टेंशन हो गई है हमारा डॉक्टर का खर्चा बढ़ा दिया तो मैंने एक बोला था डोंट टेक टेंशन आई विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास ओके सो नाउ मैंने चार पांच फार्मूला बताए थे फार्मूला तो नहीं लिखाऊंगा आई होप सो यू मस्ट है फॉर्मूला बट द क्वेश्चन वाज क्वेश्चन वाज ऑफ एस सी एम एंड एल जी एम होता है इसको थोड़ा सा टू आई राइट इन दिस वे ओके आई जस्ट वाइडेड आई जस्ट शिफ्टेड टू ए बी एट दी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए माइनस बी स्क्वायर बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर द डिफरेंसिस ऑफ द साइंस ओके दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस नो मोर डिफरेंस यहीं से मैंने एक चीज बताई थी अब मुझे यहीं से एक फॉर्मूला बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी क्वेश्चन इन दैट यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला इट इज नॉट लाइक दैट बट आई वॉन्ट यू टू यूज योर कॉन्सेप्ट अब जैसे मैंने बताया था ना इक्वेशन जैसे हम बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं बार बार क्या कहते हैं इक्वेशन बोलते हैं जनरल लाइफ में भी आपने सुना होगा पॉलिटिकल इक्वेशंस उन्होंने उसके साथ इक्वेशन फिट की ठीक है उसकी उससे इक्वेशन नहीं बैठ रही जनरल बोलते हैं हम बोलते हैं लेकिन वी नेवर लुक फॉर द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ दैट ये इक्वल से बनाए देखो इक्वल इक्वे इंग्लिश में होता है ना एक वर्ड होता है उससे फिर एडजेक्टिव भी बना देते हैं एडवर्ब भी बना देते हैं ऐसे मिलते है। तो ये equay, मतलब इक्वेट करना और इक्वेट का फिर क्या होता है ये इक्वेट है देखो इक्वेट कर रहे हैं हम दो चीजों को दे आर टू साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड वी आर इक्वेटिंग इसे ही हम इक्वेशन कहते हैं तो वेन एवर यू अ क्वेश्चन और एक्सप्रेशन इन दिस वे इन दैट यू हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड सम वेरिएबल्स दिस इज कॉल्ड इक्वेशन तो इसको सही मायने में जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं कि उससे इसकी इक्वेशन बनानी है तो इसे कहते हैं बैलेंस करना बैलेंस का मतलब बिल्कुल संतुलन ठीक है जितना ये है उतना ही ये करना है ये देखने में छोटा है लेकिन इसको बैलेंस करते में ये हमें इतना जब हम इन टर्म्स को ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखने में बड़ा होगा अब ये और ये बैलेंस है जैसे कि वो क्या कहते हैं वोइंग मशीन होती है एक तरफ बहुत हैवी पर्सन बैठा दिया तो उसको इक्वेट करने के लिए सेकंड उस पर तीन बच्चे बैठा दिए तो क्या ये इक्वेटी तो कर रहे हैं तो इक्वेशन बना ही उसी से तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे मस्ट बी इक्वल दे बोथ मस्ट बी इक्वल दैट्स वाई वी हैव दिस साइन तो बस यही करना है अब मैंने कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसे यूज करके बनाओ तो मैं इसे इधर ले आऊं देखो आम तो इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर नहीं सॉरी यहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको मैं इधर ले आता हूं तो माइनस टू ए बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे ही खेलना है बस ठीक है जब इतनी चीजें करके जाओगे आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा ना वो तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा ठीक है बट जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इनके बाद आपको नॉर्मल लगेगा सब कुछ ठीक है और आपको जितना जरूरी है उससे थोड़ा सा आगे ही बताता हूं और ये आगे भी काम आएगा आगे वही चीज़ें बताता हूं विच इज़ यूनिवर्सल आप आगे कुछ भी करेंगे दैट विल बी हेल्पिंग यू एवरीवेयर तो ऐसे बन गया अब यहां से फॉर्मूला बनाना मुझे ए स्क्वायर यहाँ से भी तो बन सकता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ये तो जैसे इक्वेशन को

जंग नहीं लगने देता आप कैसे कैसे अपने ब्रेन को यूज कर सकते हो आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो मुझे इस रूम में आना है आप आते हो आपको पता है गेट तो दूसरा भी है पता नहीं किसका मुझे नहीं पता लेकिन आप वहां से भी आ सकते हो ठीक है कैसे मतलब किसी भी चीज़ को हाउ टू अप्रोच हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल तो बस और जब आप रिसर्च करते हो सही मायने में तभी आपका माइंड आपको दिखने में सब एक जैसे ही देखो सबके एक नाक है दो आँख है सब एक जैसे ही किसी की दो नाक भी हैं एक ही नाक है और वो कटती भी बहुत है पर दिखती नहीं है कि कट गई सबकी लगी हुई दिखती है तो कहने का तो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है ब्रेन अंदर क्या चल रहा है आपने अंदर कितनी मेहनत की है इस पर कितना काम किया है वहीं से आप डिफरेंट होते चले जाओगे तो ऐसे करते रहा करो लेकिन खाली टाइम में अगर कोई चीज़ काम की नहीं है तो खाली टाइम में लेकिन ऐसे माइंड यूज किया जाता है अभी ये मैंने चीज़ बताई तो इसमें कोई प्रॉब्लम प्लस माइनस जानते ही हैं तो इक्वेशन भी बता दिया मैंने इक्वेशन क्या होता है इक्वेट करना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ओके अब जो हमारा मेन क्वेश्चन था इसमें ये वाला फॉर्मूला जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस अब ये तो आपको समझ में आ गया ना इज वॉट यही तो होगा ना जरूरत पड़ेगी तो दूसरा वाला भी कर लेंगे इसको एक साइड में रख दू अब क्वेश्चन ये कह रहा है दिस इज क्वेश्चन एस सी एफ शीट है सभी के पास द एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स नंबर्स कौन कौन से हैं पी एंड वाई नंबर्स कौन से हैं पी एंड क्यू वाई बोल रहा हूं अब ये तो आपको पता ही है वेन एवर वी ट्राई टू फाइंड आउट एस सी एफ और एल सी एम वी नीड एटलीस्ट टू नंबर्स तो ये वही नंबर है इससे एक फॉर्मूला भी है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम ये मैंने बताया था तो ये कोई दो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू नंबर पी एंड क्यू और इनका एस सी एफ एलसीएम क्या है एस सी एफ क्या है ए और इनका एल सी एम क्या है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड शुरू से ही बिकॉज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वहां पे जाओगे ना एंड में मैं कराऊंगा डाटा इंटरप्रिटेशन तब तक ये सारी प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आना ही चाहिए आप पे यही डाटा इंटरप्रिटेशन इतना लंबा चौड़ा नाम है देख के डर जाते हैं बहुत से लोग ठीक है यहाँ पे इसीलिए मैं डी आई शॉर्ट में लिख देता हूँ वो साइकोलॉजिकल ऐसा डरा देता सामने वाले क्या है बट टेन मार्क्स आपके आते हैं वहां तक पहुंचने तक आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना सीखना है अब ये क्या है हमें पता है दो नंबर्स होते हैं उनका एस सी एफ भी होता है एल सी एम भी होता है तो दो द टू नंबर्स आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एंड क्यू एंड एस सी एफ ऑफ इज ए एंड एल सी एम ऑफ दैमिस B, ये क्वेश्चन है फॉर्मूला आपको पता है लेकिन आगे क्या है इफ देयर इज वन कंडीशन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ ए प्लस बी जिन सेंटेंस में इफ लगाते हैं उन्हें कौन से सेंटेंस बोलते हैं कंडीशनल शर्तिया शर्त लगी होती है उसमें ठीक है इफ प्लस बी इज इक्वल टू पी प्लस क्यू तो हमें क्या पता करना है B3. ये हमें पता करना है सो दिस इज टू फाइंड दिस इज गिवन एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास ये इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है एंड यूजिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब पहली बात सेकेंड थिंग आपके सामने ऑप्शन होंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आंसर ये बड़ी बड़ी बातें है बोल रहा हूं टेंशन मत लेना आराम से हो जाएगा देखो अब सबसे पहले आप ये डायरेक्ट आप ऑब्जर्व करेंगे दिस इज अमूला ए क्यू प्लस बी क्यू इज अ फॉर्मूला आई टोल्ड यू अगेन आई एम टेलिंग यू ए क्यू प्लस थीके? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले लो और माइनस ठीक है मैंने माइनस ए भी उधर शिफ्ट कर दिया ये होता है अब देखो वैल्यू सी की पता करनी है तो वी विल नॉट टच इट बस इसको हमने ओपन कर लिया पुट द वैल्यूज़ ए प्लस बी इक्वल टू ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन में ये चीजें सामने रहनी चाहिए यू विल यूज ऑल दो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू अप्रोच द आंसर आंसर अप्रोच करने के लिए आपको उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो क्वेश्चन में दी हुई है क्वेश्चन बनाने वाला पागल नहीं है उस पर फालतू टाइम नहीं है अगर वो कुछ भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब आपके आंसर को अप्रोच करने में यूज होंगी ये मान के चलना ठीक है तो ए, देखो यहां पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है पी प्लस क्यूब क्योंकि आंसर हमें किसमें निकालना है Okay, आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन बोलेंगे पी क्यू की फॉर्म में निकालो तो अपने आप इन सबको कन्वर्ट करना है बट यहां पर अब बात क्या आ गई देखो यहां से एक क्या बनता है द प्रोडक्ट नंबर टू एस सी एफ इन टू एल सी एम तो बोथ द नंबर प्रोडक्ट हो जाएगा पी इन क्यू और ये हो जाएगा ए बी तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई पी क्यू तो हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया रह गया ये यहाँ पे माइनस करके मैंने क्या कर दिया पी क्यू या ऐसा करो इसे बाद में यूज करेंगे लेकिन ये आपको पता चल गया ना इसे हम यूज करेंगे बाद में पहले इसे कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बिकॉज मुझे किसी भी तरीके से ए प्लस बी बिकॉज इन्फॉर्मेशन मेरे पास सिर्फ ए प्लस बी की फॉर्म में है और ए बी की फॉर्म में है इन ये थोड़ी सी हिंट देते हैं कैसे भी करके इनमें कन्वर्ट करो इन्हें तो मैंने अभी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है वेन वी ओपन दिस फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर तो एक्स्ट्रा होता है टू वो हमें माइनस करना पड़ेगा बिकॉज तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे माइनस टू कर देंगे और ऑलरेडी माइनस ए है इस लाइन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम अभी पूछो हाँ एक और चीज ये है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम में क्लास में समझ में आना चाहिए घर जाने के बाद भूल सकते हो थोड़ा बहुत नो प्रॉब्लम ठीक है वो री अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद मुझसे पूछोगे एक दो बार में फिर हमेशा के लिए इट विल बी ऑन योर ऑन योर फिंगर टिप्स नाउ मूव अहेड दिस इज पी प्लस क्यूब ए प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज दिस इज माइनस टू ए बी एंड माइनस ए बी माइनस सी ए बी आता है ना तो माइनस थ्री ए बी अब ये हो गया बिल्कुल सिंपल चेंज कर दो वैल्यू सारी ये पी प्लस क्यूब है पी प्लस क्यूब ए प्लस भी क्या होता है पी प्लस क्यू है तो यहां पे मैंने पी प्लस क्यू ठीक है अब इसको फिर करते हैं माइनस थ्री ए भी क्या है पी क्यू ठीक है पी क्यू और आगे चलेंगे ये क्या हो रहा है बार ठीक है नाउ p प्लस क्यू पी प्लस क्यू डिपेंड करता है आपको जो ऑप्शन दिए कहाँ तक दिए अगर यहां तक आंसर दे रहा है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो लेकिन ये अभी आगे और जाएगा मैं देखो इसको फिर पहले की तरफ ब्रेक कर देता हूँ इसी की तरह मैंने ये ऐड कर दिया था ना इसको मैं कर देता हूँ माइनस टू पी क्यू और माइनस पी क्यू बात तो वही है ना माइनस थ्री पी अब देखो जब मैंने जिस तरीके से ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था आई यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र इन दैट वे स्क्वायर प्लस की स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि इसको ओपन करूंगा माइनस टू पी क्यूब से वो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे क्या रह गया माइनस पी क्यूब और ऑलरेडी यहां क्या है पी प्लस क्यूब कौन सा ये हाँ हाँ तो ये कट जाएगा ना कैंसिल हो जाएगा ये ठीक है वो कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला बन गया ना वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो बता रहा था तो डायरेक्ट मैंने वो यूज़ कर दिया और माइनस पी क्यूब है अब देखो अगर मैं ए और बी की जगह पे फॉर्मूला में यहाँ पे पी और क्यूब रख दूँ तो ए क्यूब पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला बन गया ये ठीक है तो अल्टीमेटली क्या बन गया पी क्यूब प्लस ये बन गया तो ये आपका ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं ठीक है चांसेस बहुत कम है ऐसा क्वेश्चन आने के ठीक है, बहुत कम है लेकिन मैंने अपने आप को सेव कर लिया है देखो शुरुआत किसी भी चीज को देख के घबराना मत के ये क्या नई चीज जब हमको टीथिंग प्रॉब्लम्स मैंने बताया था ना शुरुआती प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम का कुछ नहीं है इसी क्वेश्चन को आप एक दो बार अपने आप करोगे तो आपको हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछो एंड वंस यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डिस्कस देन डेफिनेटली दैट्स अ गारंटी कि आपको फिर वो प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है ये तो करना पड़ेगा आप पढ़ने के लिए आयो ना थैंक यू ओके एक बार और एक्सप्लेन करू मुझे करने की ज़रूरत है एक बार देखना रिअटम करना प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ तो यहाँ पर ये वाली शीट फिनिश एस सी एफ एल सी एम वाली है कि नहीं आज क्या है कोई डे बता रहा था क्या फ्राइडे ठीक है अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ लिखेगा इतना लिख दूं लिख ही देता हूं परसेंटेज ओके परसेंटेज वही जो बैंक वाले लगाते हैं परसेंटेज है? क्या होती है जो बैंक वाले मांगते हैं वही तो होता है ना परसेंटेज होम लोन ईजी इंस्टॉलमेंट्स ऑनली थर्टी परसेंट पर एन एम ऑनली जरूर लगाएंगे वो आपको दस करोड़ भी देंगे या दस करोड़ भी मांगेंगे तो भी ऑनली ज़रूर लगाएंगे उनके एथिक्स होते हैं कि मारो लेकिन प्यार से पता भी नहीं चले इसके प्राण निकल जाए इन्वेस्टिगेशन में यही समझ में नहीं आए मरा कैसे और जिसने पैसे मांगे थे इसका सदमा लगा था वो ही भाग गया स्पॉट पैसे अब उसको ढूंढ रहे हैं मरा कैसे पता तो चले तो उन्हें क्या पता उसने थर्टी परसेंट मार्ग लिया था उसमें गया वो तो परसेंटेज वही होता है देखो इन जनरल टर्म्स ऐसे समझो कि आप में से कोई है आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अच्छे खासे ट्यूशन्स भी लिए और ट्यूशन्स में अच्छा खासा आपका फ़ीस थी और आप पे बहुत अच्छा पैसा जमा हो गया तो आपके दिमाग में आया इस पैसे का कर गया तो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट का मतलब तो किसी ने आपको ज्ञान दिया कह रहा ऐसा करते हैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ठीक है और आपके दिन बुरे चल रहे होंगे तो आप उसकी बातों में आ भी जाएंगे क्योंकि वो अच्छी सलाह तो दे नहीं रहा होगा बहुत कम लोग मिलते हैं अच्छी सलाह देते हैं तो वो क्या करेंगे तो आपसे पार्टनरशिप करवाएंगे तो देखो पार्टनरशिप यहाँ पे मेन पॉइंट इज दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप लाइक हालांकि ये अलग चैप्टर है एक दिन का चैप्टर बाद में बताऊंगा लेकिन मेन थिंग इज जैसे कोई आपसे ये पूछे शेयर पूछते हैं शेयर जानते हो ना किसी भी चीज में यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू आर टू और थ्री पर्सन एवरी वन हैज ए स्पेसिफिक शेयर इन दैट उसमें शेयर होगा तो शेयर कैसे बोलते हैं दो तरीके से बोलते हैं या तो कोई बोलेगा ये पूरी कंपनी मेरी है आन द होल सोल ओनर ऑफ दिस कंपनी इसका मतलब कंपनी कितनी है या बिजनेस कितना है एक काम एक ही होता है बिजनेस हो कंपनी हो कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो वो एक ही काम है लेकिन उसके शेयर्स कितने होते हैं शेयर हमेशा परसेंटेज में बताते हैं ना या तो आप हिस्सा बताओगे कि पूरी कंपनी मेरी है इसमें आधी हिस्सेदारी मेरी है इसमें वन फोर्थ मेरा है थर्ड मेरा है ओके या तो आप ऐसे बताओगे या थोड़े से आप परसेंटेज पढ़ के गए हो तो परसेंटेज में बताने लग जाओगे आई हैव ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर ऑफ दिस कंपनी आई हैव वन थर्ड थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑफ दिस तो आप पे दो तरीके हैं बताने के आप दो तरीके से बताते हो ना या तो आप एक पार्ट बताओगे

कोई बिजनेस हो या कोई भी चीज हो उसके शेयर्स कितने होते हैं हंड्रेड परसेंट होते हैं क्या होते हैं अब हिस्सेदारी तो इसमें से कटेगी आई हैव वन बाई टू कंपनी आई एम द वन थर्ड पार्टनर ऑफ दिस कंपनी और अगर उसे इसमें बताना है तो आई एम फिफ्टी अगर हाफ है तो फिफ्टी परसेंट शेयर अगर वन थर्ड है तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे तो ये दो चीज समझ में आ गई तो या तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये पूरी कंपनी मेरी है पूरी कंपनी मीन्स आई हैव हंड्रेड परसेंट शेयर ऑफ दिस कंपनी एक तो दो चीज तो इन दो तरीके से हम बता सकते हैं अब यहां पर एक बात ये आती है अब किसी ने बोला देखो ये इसको याद रखना बस वन इज इक्वल टू इतनी चीज़ तो याद कर सकते हो इसमें याद करने का क्या है वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ये याद रखना बस वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट एक कंपनी है एक बिजनेस है या एक कोई भी चीज़ है वो हंड्रेड परसेंटेज में वो पूरा जो होता है टोटल वो हंड्रेड परसेंट के इक्वल होता है ठीक है जैसे एक रुपया है एक रुपये को सौ पैसे में डिवाइड कर दिया लोगों तो ने देखे कभी आप में से तो देखे होंगे चलते हुए नहीं देखे होंगे कभी मैं गांव में गया था और पाँच पैसे का सिक्का चल रहा था अभी चार पाँच साल पहले की बात है और पाँच पैसे का सिक्का फिर उसने मुझे सारे सिक्के दिखाए बीस पैसे का सिक्का दिखाया पाँच पैसे का दिखाया पच्चीस पैसे का दिखाया पचास पैसे का दिखाया और फिर वहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे उनने तो सब देखा था तो सब बताते थे कि पच्चीस पैसे की चार गोलियाँ आती थी वैसे ठीक है लेमन टाइप के फ्लेवर की और रस्क जो आप खाते हो तो बता रहे थे जो आप रस खाते हो या टोस्ट बोलते थे गांव गाँव में टोस्ट टोस्ट करके बोलते हैं इसे इंग्लिश में टोस्ट कहते तो कहते एक रुपए के सोल है और उनके अगल बगल में बेकरी होती थी तो सुबह सुबह चले जाते थे कि लो एक रुपए के हमें वो दे दो टोस्ट तो बन रहे होते थे कि जाओ उसमें से ले लो सोल तो उसने ऐसे पन्नी में डाले पॉलिथीन में और उसके बाद भी वो डाल दो ठीक है ठीक है दो और ले लो चलो ऐसे करके मतलब पहले जाता था तो बड़ा इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग वन आई वॉज लिसनिंग लेकिन हाँ तो एक रुपये डिवाइड पैसों में लेकिन पैसा अब चलता नहीं है जनरली इट्स नॉट अ लीगल टेंडर लाइक लीगल टेंडर है लेकिन लेन देन के लिए नहीं यू से कर सकते हो आप पैसे लेकिन अब फिजिकल मोड पर नहीं तो वन इज इक्वल टू ऑलवेज हंड्रेड परसेंट अब सारे वैल्यूज़ जो है परसेंटेज के वो यहीं से निकलेंगे आपको सिर्फ इतना याद रखना है अब मानते हैं कि अब मान के चलो कि आपका एक कंपनी है दैट इज हंड्रेड परसेंट अब आपकी उसमें हाफ हिस्सेदारी कितनी वन बाई टू तो इसमें टू से डिवाइड कर दो वन बाई टू के लिए ये तो करना पड़ेगा और जब इसमें टू से डिवाइड करोगे तो इसमें भी टू से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो चेंज करना होता है दोनों पर इक्वल करना होता है तो देखो वन बाई इससे तो आपको पता चल जाएगा यूनिट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन बाई टू

वन बाई थ्री की वैल्यू पता करनी है तो वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट तो मैं क्या करूंगा थ्री से डिवाइड कर दूंगा ऐसे भी थ्री से डिवाइड कर दूंगा ओके okay, तो वन बाई थ्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा थर्टी थ्री वन बाई थ्री ये ऐसे करना आता है कि नहीं ये वाली फ्रैक्शन चेंज करना आता है कि नहीं थर्टी थ्री इंटू थ्री नाइन्टी नाइन प्लस वन हंड्रेड बाई थ्री ऐसे लिखते हैं नहीं आता हो तो पूछ लेना आराम से ठीक है तो वन बाई थ्री की वैल्यू आ गई तो या तो कोई आपसे ये कह रहा है कि आई एम आई एम हैविंग थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट इन दिस कंपनी तो आप समझ जाना कि वन थर्ड की बात कर रहा है इसका वन थर्ड अगर मान लो वन फिफ्टी का प्रॉफिट होता है तो वो कितना लेगा फिफ्टी परसेंट नहीं अगर वन फिफ्टी का प्रॉफिट होता है कंपनी में एंड ही हैज वन थर्ड शेयर तो उसका प्रॉफिट कितना होगा फिफ्टी होगा ना अब इसको वन वन फिफ्टी का वन थर्ड करके देखो ना प्रॉफ़िट में भी तो उतना ही शेयर जाएगा पचास रुपये उसे मिलेंगे ठीक है चलो अभी इतना नहीं जाते हैं ये समझ में आया ना अभी यहीं पे रहते हैं वन बाई थ्री अब मुझे पता करना है अब अगेन वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ही होता है मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा वन फोर्थ शेयर है तो परसेंटेज में कितना है वन फोर्थ शेयर तो आई विल डिवाइडेड बाई फोर एंड अगेन आई विल डिवाइडेड बाई फोर इट विल बी 25% समझ में आया ये कोई नई चीज नहीं है बताने का तरीका मैंने ऐसे कर दिया है यह सब लोगों को नॉर्मल पता होना चाहिए ठीक है अब मैं कितनी की भी वैल्यू पता कर सकता हूं जैसे कि वन बाई टू वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट वन बाई टू फिफ्टी परसेंट वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव बताओ करके ट्वेंटी डायरेक्ट पाँच से डिवाइड करो हंड्रेड को ट्वेंटी परसेंट ओके वन बाई सिक्स अब बताओ ट्वेल्व वन बाई टू परसेंट ओके वन बाई सेवन फोर्टीन बाई सेवन नहीं सॉरी फोर्टीन टू बाई सेवन आप कर, करो करो करके देखो भाई करके देखो ठीक है वन बाई एट का बताओ कितना ट्वेल्व वन बाई नहीं नहीं एक सेकंड नहीं नहीं सही है ये सिक्सटीन टू बाई थ्री समथिंग होगा इसका देखो वन बाई सिक्स इसका यही होगा सही है इसका यही होगा हैं वन बाई सिक्स का ये वन बाई एट का होगा देन वन बाई नाइन ये अपने आप करो ये मैं तो कर ही दूंगा एलेवन वन बाई नाइन आएगा दिस इज इलेवन और वन बाई टेनको इसको इसको जो बताएगा बताऊंगा क्या होगा वन बाई टेन क्या होता है टेन परसेंट हंड्रेड बाई टेन वन बाई इलेवन ऐसे वन बाई ट्वेल्व वगैरह ठीक है ये चाहो तो एक जगह नोट कर लेना और अपने आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना कुछ सेलिंग प्राइस उसके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस या ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट वगैरह क्वेश्चन ऐसे आते हैं वहां पर डायरेक्ट इनसे अप्रोच यूज की जाती है अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि व्हाट इज नाइन अब देखो सुनने में कैसा लगेगा मैं आपको एक क्वेश्चन का टाइप बताता हूं ये आप चाहो तो नोट कर सकते हो अदरवाइज आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए ओके okay? और इनको चाहो तो थोड़ी सी जगह बची हो इफ यू हैव द स्पेस ऑन योर स्टडी वॉल तो वहां पर फिक्स भी कर सकते हैं ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं इससे आपको देखो कैलकुलेशन आगे क्वेश्चन आएंगे मैं वहीं बता मत लेना बिल्कुल भी इतना कैसे करेंगे आराम आराम से जितना बोल रहा हूं उतना, बस ये आप वैल्यूज तो अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो ना घर में बैठ के कैलकुलेट करके बस इतना करना है इसके अलावा याद व्याद करने की कोई जरूरत नहीं है बट देखो यूज कैसे होती हैं आगे आएगा तब तो मैं बात करूंगा ही बट हाउ टू तो यूज अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ व्हाट इज नाइन वन बाई एलेवन परसेंट ऑफ वन थ्री थ्री वन ज़ीरो जीरो यही तो मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया चलो ये भी आपके हिसाब से व्हाट्सअप है इसे और कर देता हूँ कैसे किया हा? वैसे तो आप होशियार हो मुझे इस बात कोई शक नहीं है स्टूडेंट इंटेलिजेंट है नहीं भी हो तो भी मैं तो यही बोलूंगा वैसे हो बुरा मत मानना ठीक है क्योंकि अगर मानते भी हो तो मैं कुछ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> तो पहले ही मैं बोल देता हूँ <laughs> बुरा मत मानना देखो सीधी सी बात है अगर आपको ये और क्वेश्चन आता है इस तरीके से आपको जब डायरेक्टली पता है ना दिस इज द वैल्यू ऑफ वन बाई इलेवन ये कितने की वैल्यू है ये पेन भी नहीं चलाना है इसमें अगर वो क्वेश्चन देंगे तो यही चीजें यही कुछ वैल्यूज हैं वो डायरेक्ट फिक्स करके देते हैं दे वॉन्ट टू चेक यू आर प्रिपेयर और नॉट कि वही आप बस एकेडमिक्स का रटा हुआ लेके चले आए हो तो आपको देखते ही ऑब्जर्वेशन मैं बाहर जो स्टडी uh, वॉल पे वाई आई एम अगेन एंड अगेन सिटिंग यू ऑन जस्ट फिक्सिंग दैट ऑन दट वॉल बिकॉज जब आप देखते रहते हो ना तो आपको ऑब्जर्वेशन बढ़ती है तो आपको देखते ही समझ में आएगा दिस इज वन बाई इलेवन वन बाई इलेवन है तो इसमें डायरेक्ट वन बाई इलेवन से मल्टीप्लाई करना है ठीक है दिस इज वन बाई इलेवन इट मीन्स वन बाई इलेवन टेन तो इलेवन से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे कितना आएगा टेन पेन भी चलाने की जरूरत नहीं तो डायरेक्ट आप आंसर करोगे टेन आंसर आएगा इसका तो दिखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक होगा ठीक है अभी मैं बोल दूं सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट ऑफ सेवन ट्वेंटी अब आप करके तैयारी कुछ गई नहीं हो अब आपकी पहले हालत यहीं पे खराब हो जाएगी कि ये क्या है तो पहले आप क्या करेंगे एक होते हैं ना जो हंड्रेड परसेंट दे यूज हंड्रेड परसेंट ऑफ द ब्रेन मीम बनता है बहुत कि यूज़ ऑफ़ द ब्रेन आपको पता हंड्रेड परसेंट हम ब्रेन कभी यूज कर ही नहीं सकते हैं। बताते हैं न्यूटन न्यूटन का फुल नेम क्या है अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है तो उनके बारे में बताते हैं उन्होंने हर जगह पर अपने लॉज दे दिए हैं फिजिक्स में हो चाहे डायनामिक्स में हो स्टेटिक हर जगह दिए हैं उन्होंने भी बताते हैं फाइव परसेंट कोई हालांकि वेरिएशन से कुछ ब्रेन कि यूज किया था उन्होंने हाँ हाँ तो पैराल थे सुनाया कि नहीं उनके बारे में अब हालांकि हम सुनते ही रहते हैं रियलिटी तो हमें नहीं पता है खैर क्योंकि मार्केट में पी आर, आर इतना चलता है कि जिसको हिट करना हो सिस्टमेटिकली उसे हिट कर दिया जाता है बट द थिंग इज दैट कि इतना ब्रेन को यूज कर नहीं पाता है तो कभी भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे ना कि मैं पढ़ रहा हूँ क्या क्या याद करूँ मैं तो दिमाग में जा ही नहीं सकता तो आप हमेशा एक बात पर फोकस कर रखना आपके दिमाग में इतनी ताकत है कि आप सोच नहीं सकते उतनी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो तो कभी ये तो सोचना ही मत नेवर अंडर एस्टिमेट योर ब्रेन आप कितनी भी ताकत लगा लोगे 100 परसेंट तो बहुत आगे की बात है फोर फाइव परसेंट कर गए तो समझोगे न्यूटन को बराबर कर गए तो कभी भी अपने ब्रेन पर शक मत करना कि मुझे ये भी याद करना हाँ बट बेटर होता है कि काम की चीज़ों को फोकस करो काम कचरा कर मत भरो पर नहीं तो होगा क्या कि यहाँ पर कचरा चला गया इधर से आप अच्छी चीजें ले जा रहे हो आपस में मर्ज हो रहा है तो फिर निकलेगा क्या वॉट विल बी द प्रोडक्ट अब क्या निकलेगा वो अपने अपने हिसाब से सोच लेना ठीक है अंदर का जो प्रोसेस होगा तो तो देखो इसे देखते ही तो कोई क्या करेगा सिक्सटीन टू थ्री फोर्टी एट प्लस टू फिफ्टी बाई थ्री फिर और वजह से उसने कर दिया कुछ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि दिस इज और वहां पर वैल्यू भी यही देंगे वो ऐसा क्वेश्चन आता है तो दे नो जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया इसका मतलब वो समझ जाएंगे कि आप इतनी प्रिपरेशन करके नहीं आए हो तो दिस इज 60 तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा 1/6 कर दूंगा तो 720 का 1/6 क्या होगा 120 पेन चलाने की भी जरूरत नहीं नीड टू टेक प्रेशर अभी बस मैंने एक ओवरव्यू uh, दिया है अभी समझ में नहीं भी आ रहा हो वैसे समझने वाला कुछ है नहीं तो आगे मैं इसे डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस ओके तो इस तरीके से इनका एप्लीकेशन आता है तो मैंने क्या बताया कि 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 100% अब जितने की भी या तो आप यू कैन एक्सप्लेन योर शेयर इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स और फ्रैक्शन और इन इधर इन द पार्ट्स और इन परसेंटेज तो वो ये तरीका होता है सारी वैल्यूज अब मैं आपको रटना कुछ नहीं है आपको सिर्फ इतना याद रखना है आपको जितने की वैल्यू पता करनी है यहां से कर सकते हो अपने आप करोगे तो आपको दो चार बार में पूरा फिक्स हो जाता है माइंड में और जब क्वेश्चन करते रहते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी और देखो याद करने का तरीका होता है ये वाली वैल्यू है ये है ये है और ये है और ये ये वैल्यू डायरेक्ट याद हो ही जाती है इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वन बाई टू हाफ हाफ मीन्स फिफ्टी परसेंट वन फोर्थ ट्वेंटी फाइव परसेंट यहाँ पे आ जाओ वन बाई फाइव ट्वेंटी परसेंट वन बाई टेन टेन परसेंट ये तो डायरेक्ट याद हो जाती है और इन वैल्यूज को अपने तरीके से देखो इसमें क्या याद करने को रह गया वन बाई थ्री 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 वन बाई थ्री सब कुछ तो थ्री थ्री चल रहा है एक दो बार देखोगे वैसे समझ में आ जाएगा अब आ जाओ यहां पे चलो ये तो भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसे बाद में देखेंगे अपने तरीके से वो होता है ना आपको जब पढ़ना है तो दे आर सो मैनी थिंग्स जिनकी कोई ट्रिक नहीं है कुछ नहीं है आपको वो याद करने ही पड़ेंगे बहुत मजबूती से आप बार बार भूलोगे लेकिन याद कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप लॉजिकल वे में यू कैन रिमाइंड देम तो आपको हर तरीके का अपना वेपन चलाना है तो यहां पर अब ये है तो इसको मैंने कैसे याद किया था देखो जो यहां पर है वन बाई सेवन वही डिनोमिनेटर में आ रहा है पहले तो याद रखना और सेवन इंटू टू फोर्टीन ऐसे यहां पे आओ देखो वन बाई इलेवन एंड वन है यहां पर क्या आएगा ये तो आपके डिनोमिनेटर से पता चल जाएगा बस इन दोनों में देखो इलेवन और नाइन ही यूज हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा इट विल बी डिसाइडेड बाई दिस फ्रैक्शन कि यहाँ पे नौ है तो यहाँ पे नाइन आएगा तो रह गया क्या इलेवन इलेवन को यहाँ रख दो वन बाई इलेवन है तो यहाँ पे इलेवन है तो एलेवन यहाँ आएगा बचा क्या नाइन नाइन को यहाँ रख दो दो चार बार करोगे अपने आप याद हो जाएंगे यार सारी चीज़ें ऐसा कुछ नहीं मैंने भी ऐसे याद की थी भाई मुझ पर और भी तो काम करने के हैं तो यही थोड़ा ठीक थी। <laughs> है तो मैंने ऐसे तो ऐसे अपना जो भी फॉर्मूला हो फिट करो और याद कर लो एक बार ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की तरह हर दो तीन महीने बाद अपडेट आ रहा है कि कभी गूगल कभी ए कभी चैट जी तो इतना टाइम मैथ्स में ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो आज वैल्यू है वो एक बार याद करनी है वो आगे भी वही रहेगी ओके तो ये आ गया समझ में सब कुछ तो ये तो बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया तो ठीक नहीं आए नहीं कर लेना ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है नहीं आए तो भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बस क्लास में रेगुलर रहने की कोशिश करना और जो मैं बोलता हूँ रीअटम्प्ट करना बाकी प्रेशर लेना मत आ रहा है नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बट ये दो चीज करना आएगा क्यों नहीं सब आ जाएगा वॉट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई शीट में देखो मैंने कुछ लिख भी दिया आपके लिए ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेन एवर यू बी इन द एकेडमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वी कैन से नॉट एंट्रेंस ऑन कॉम्पिटेटिव बट एकेडमिक्स में होते हैं तो द मैजिकल नंबर टू फाइंड आउट द परसेंटेज वो मैजिकल नंबर क्या होता है सबसे पहले हम कौन सा परसेंट निकालते हैं अरे डिस्कस किया था ना थर्टी थ्री परसेंट निकालते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं हर किसी की कहानी यहीं से शुरू होती है जब एग्जाम आता है तो कहानी यहीं से शुरू होती है कुछ लोग बता देते हैं कुछ बताते नहीं है कहानी यहां से शुरू है. यहां से इस सदमे से निकलने के बाद वो आगे बढ़ता है फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने चाहिए सेकंड डिवीजन ओके टू गेट सेलेक्टेड इन पर्टिकुलर कैटेगरी और सेक्शन व्हाट वी नीड टू डू एंड हाउ मच परसेंटेज वी नीड टू अचीव एंड ऑल तो थर्टी परसेंट अब मैं कहूँ आपका टोटल मार्क्स है मान लो सिक्स भाई आपको पता है थर्टी परसेंट वी वी नीड टू रीच अप टू थर्टी थ्री परसेंट टू गेट पास्ट बट हाउ यू विल फाइंड आउट थर्टी थ्री परसेंट बिकॉज यू हैव टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स की तरफ देखोगे आप तो टोटल मार्क्स का 33 परसेंट निकालना है तो क्वेश्चन क्या है 33 परसेंट ऑफ 600 क्वेश्चन इज दैट तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 बताया मैंने इससे ज्यादा था लेकिन वो अब आपके काम का नहीं बताऊंगा ठीक नहीं, है तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट तो फर्स्ट जो इज एक्स परसेंट ऑफ वाई सो वेन यू हैव अ टोटल फिगर एंड यूनिट टू फाइन परसेंटेज ऑफ दैट वीप्लाई बोध्यूज द मैग्टूड एंड हंड्रेड सिंपल रिजल्ट आया सबने पूछा अब रिजल्ट की बात चल रही है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं पास हुआ या फेल पहले ही बताओ आगे क्वेश्चन बात का ठीक है।, है आपके दोस्त ने दुश्मन की तो छोड़ो दोस्त ने कहा मैं हो गया फेल तो आप चेहरे से उसे ये दिखा रहे हो कि आपको कितना दुख है अंदर कुछ और चल रहा है अंदर चल रहा है बढ़िया हुआ उस दिन तो बड़े स्टाइल मारा था आप देखूँ आपकी खुशी आगे गई थोड़े से दूसरे से पूछा पास हुआ या फेल उसने कहा पास कितने परसेंटेज अगला क्वेश्चन कितना। उसने वो उसके 15 थे। अब वो टेंशन पहले खुश हो गया खुश हो रहा था और दो सेकंड में दुखी हो गया तो ये तो हम पर डिपेंड करता है हम किस चीज से खुश हो रहे हैं किससे हमें तभी भी खुश नहीं होना था जब वो फेल हो गया था तो ऐसे ही है अब आएगी बात परसेंटेज पे चलो पास हो गए अच्छी बात है अब परसेंटेज बताओ तो परसेंटेज कैसे पता करते हैं तो परसेंटेज के लिए यू नीड टू फिगर्स नंबर वन ऑपटेंड और टोटल अगर किसी के आए मान लीजिए 240 फोर्टी एंड टोटल मार्क्स 600 तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे ऑपटेंड अपॉन टोटल इन टू तो जब सर्टेन परसेंटेज वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट इन दैट केस वी डिवाइड बाय एंड वेन ओवर वी हैव बोथ द फिगर्स एंड वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज हंड्रेड तो यही सेकेंड पॉइंट है वॉट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई इसमें देखो एक्स है टोटल एंड वाई इज ए सर्टेन फिगर ऑबियस यू नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज तो वाई अपॉन एक्स इन टू हंड्रेड कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो कोई होती नहीं है मेरी क्लाब में अच्छी बात है ओके okay, एक चीज और याद रखना कि इन सम केसेस आप क्या करते हो कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी चीज है यू आर बींग आस्ट टू फाइंड आउट परसेंटेज तो इन दैट केस आपको परफेक्ट नंबर या फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन ही तो है ये यहां से फ्रैक्शन ही तो बनती है आपको एक बार पता चल जाए तो आपको क्या करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए उसमें हंड्रेड यहां पर करता हूं जैसे मान लो कोई भी फ्रैक्शन आपको क्लियर पता चल गई जैसे वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन आपने पढ़ा तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि वाई इज वॉट परसेंट ऑफ एक्स तो आपने प्रॉपर फ्रैक्शन बना ली कि ऑब्वियस वी नीड टू तो फाइंड आउट परसेंटेज वी ऑलवेज पुट इट इन द न्यूमिनेटर प्लेस एंड द टोटल फिगर एट द डिनोमिनेटर प्लेस अब आपने परफेक्ट फ्रैक्शन बना लिया अब आपको परसेंटेज बनाना है इसका तो सिंपल सी बात है इसमें क्या करोगे आप टू हंड्रेड एंड परसेंटेज सिंबल ये दो चीज आप कर दोगे तो आपका सारा फोकस यहां पर रहना चाहिए वंस यू डिसाइड द परफेक्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शन देन इट इल इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट परसेंटेज बस हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज लगा दो ठीक है अब मैं ऐसे कहूंगी फाइव कि कितना परसेंटेज होता है हा? फाइव को अगर मैं ये कहूं फाइव इज वॉट परसेंट फाइव को परसेंटेज में कन्वर्ट करो मैं यही तो देख रहा हूं कि कितने लोग ढंग से पढ़ रहे हैं वन इज इक्वल टू कितना था अभी बताया था ना हंड्रेड परसेंट तो फाइव कितना होगा फाइव हंड्रेड परसेंट मैं बीच बीच में ऐसे कर देता हूं चेक करता रहता हूं आप यहाँ आते आते हो पहले का भूल गए सब वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट होता है तो फाइव इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड परसेंट ठीक है तो ऐसे थोड़ा सा माइंड यू तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रहते हैं तो ऐसे आपको वंस यू गेट द प्रॉपर फ्रैक्शन तो आपको सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज का सिंबल लगा देना है ठीक है अभी यहीं पर रहो ये फाइव वाइव में पूछता रहता हूँ उसको ज़्यादा दिमाग में मत रखना लेकिन दिमाग लगाया करो आप वहाँ जाते जाते वन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट देन फाइव इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड परसेंट टेन इज इक्वल टू वन थाउजेंड परसेंट ठीक है मतलब मल्टीप्लाई करना आता है वेरी गुड तो वाई अपॉन एक्स तो देखो वॉट इज एक्स परसेंट ऑफ वाई मतलब किसी भी नंबर का परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज यू कैन ईजिली फाइंड आउट और किसी भी फिगर फिगर से आप परसेंटेज निकाल सकते हो मैं यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको फॉर्मूला पता है सब कुछ पता है कि यू नीड टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन एंड ऑल लेकिन आप ये भूल जाएं यू आर नॉट कन्फर्म कि मैं किस वैल्यू को यहाँ पर रखना है एट द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर केस हो जाता है कि आपको पता सब कुछ है लेकिन भूल गए साढ़े सात ही चल रही है आप पे ठीक है भूल गए अब क्या करना है शनि जी की कृपा पूरी है शनि देव जी की ठीक है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे मेहनत कर्म जो आप करके आए हो आप कुछ मत करना जो उसमें टोटल फिगर होती है ना जो बड़ी फिगर होती है उसको जनरली उसको डिनोमिनेटर में रखना हमेशा ऐसे भी कभी कभी काम चल जाता है एक बार मेरी क्लास में एक, एक स्टूडेंट था वो पढ़ने में बिल्कुल लेकिन एक बार क्लास में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें उसने दो के आंसर्स दे दिए उनमें से एक का आंसर आता ही नहीं था हम पे लेकिन उससे जब पूछने बैठे तो बता कुछ नहीं पाता था कि नहीं मुझे लग रहा था मैंने ये सोचा ये सोचा तो मुझे लगा और उसका लॉजिक बिल्कुल फिट मतलब वो लगा रहा था बिल्कुल करेक्ट लगा रहा था वो और वो ऐसा क्वेश्चन था कि लॉजिक हम लॉजिक हम उसे सिस्टमेटिक कर रहे थे किसी पर आ ही नहीं रहा था वो मुझे ऐसा लगा तो मोटा मोटा आइडिया मेरा ये होगा और उसका आइडिया वाकई मतलब हम लोगों से ज्यादा अच्छा था वो कोई भी चीज में आइडिया लगाता था उसका बहुत स्पेकुलेशन बहुत अच्छा रहता था ठीक है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है तो वो क्या करते हैं वो ऐसे ही कुछ जगह पर फंस जाते तो ऐसे ही कुछ कर देते हैं अब वहां से आप एग्जाम हॉल में हो यू हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यू डोंट हैव टू मच टाइम अब आप पे दो नंबर तो ये तो पता है कि इनमें से एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा फिर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है लेकिन आप भूल गए कि ऊपर कौन सा जाएगा नीचे तो जनरली क्या होता है जो बिगर फिगर है या टोटल फिगर है उसको हम डिनोमिनेट उसको मारक दो एंड स्मॉलर फिगर मस्ट बी एट द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर इन टू हंड्रेड परसेंटेज आप होशियार हो अपने आप आराम से आंसर निकाल दोगे बस ऑप्शन सही टिक करके आना ठीक है अब तो आपका वो हो गया ना ऑफलाइन वाला अब फिर ऑनलाइन होगा क्या ये मेरी पहले से ही समझ में नहीं आया ऑफलाइन कर क्यों दिया था नहीं ऐसे चलते हैं ना ये तो ऐसे हो गया लोग आगे बढ़ते हैं ना और ऑनलाइन में मुझे तो जो मेन फ़ायदा दिखता है वो ये है कंप्यूटराइज होता है आपको पता है जब फिल करते हैं ना उसमें आपसे कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं और एक बार आपने गलत फिल कर दिया जिसके हाई रिस्क रहते हैं हाई पॉसिबिलिटी रहती है भाई आपको हंड्रेड या जितने फिल करने हैं तो कहीं ना कहीं तो आप गलत पेन चला दोगे फिर आप उस पर कुछ कर भी नहीं सकते बहुत से लोग तो क्या करते हैं ब्लेड वगैरह लेके जाते हैं जाते हैं वो सॉरी वाइटनर होता है वो कोशिश करते हैं लेकिन उससे बढ़िया ऑनलाइन ही था तो मैं ये सोच रहा था मैंने क्या है मैं नेट वाले कुछ ऑनलाइन में गड़बड़ तो नहीं कर रहे अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गए हैं <laughs> चलो कोई नहीं नेवर लुक फॉर ऑल दिस जस्ट बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क थर्ड पॉइंट चेंज इन वैल्यू परसेंटेज चेंज इसे छोड़ो ये तो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां अपने आप ही समझ में आ जाएगा ग्रोथ परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज ये पॉइंट्स बाद में करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ क्योंकि ये आगे आएंगे देखो क्वेश्चन question, क्वेश्चंस करते जाओ ये क्वेश्चन नहीं है और ये मजाक भी नहीं है जो पहला क्वेश्चन है ना क्या है ये वॉट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी तो इसको कितने लोगों ने आंसर निकाला इसका क्या आया कितना फोर ऑफ फाइव और किसी का आ रहा है फोर ऑफ वन फाइव आप एक ही स्कूल से हो गया सबके सब दूर दूर के बैठे हो अच्छा और फोर बाई फाइव फोर बाई फाइव वन फोर बाई फाइव टू लॉक करते हैं चलो देखते हैं अच्छा कितने लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा बिल्कुल भी ये है क्या नहीं बोल दो कोई दिक्कत नहीं क्लास में सब बोलो एग्जाम हॉल में मत बोलना बस तो व्हाट इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और मैं बार बार ऐसे बोलता हूं तो बिल्कुल साइडलाइन मत कर देना क्वेश्चन को जो भी बता रहा हूं वो आपके काम के लिए बता रहा हूं जैसे कि आगे दिक्कत ना हो ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ फोर्टी ऑफ ट्वेंटी इंग्लिश में पजेशन की केस तो पढ़े ही होंगे आपने रियल लाइफ में तो होता ही है जैसे मैं अगर जो कपड़ा एक बार मैं यूज कर लूँ तो ऑटोमेटिक मेरा ऐसा सेंटीमेंट टच होता है फिर मैं मुझसे कोई ले नहीं सकता उस कपड़े को तो इसे क्या कहते हैं पजेशन सब अपने अपने तरीके से समझ लेना पजेशन क्या होता है ठीक है मेरे लिए तो ये होता है टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी तो जैसे कहते हैं बुक ऑफ राम ठीक है या होम ऑफ तो होता क्या है ऑफ इंग्लिश में जो हम उल्टा पढ़ते हैं बुक ऑफ राम हिंदी में क्या बोलते हैं राम बुक ऑफ यहां पर राम एंड में आ रहा है लेकिन उसको समझने के लिए राम की किताब राम को हम पहले लेके आ रहे हैं ऐसा होता है ना तो ऐसे ही यहां से स्टार्ट करना है जब भी देखो तो ऑफ से क्या होता है सारा पोजेशन का केस होता है लेकिन मेन वैल्यू आपके पास यहां पे एंड में तो आपको यहां से स्टार्ट करना है इतने को जस्ट स्किप डोंट लुक एट दैट फोर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या करना है फोर्टी इंटू ट्वेंटी अभी बताया ना अपॉन हंड्रेड तो ये आ जाएगा एट फोर्टी इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो जीरो से जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे फोर्ट एट अब क्या क्वेश्चन रह गया अब फिफ्टी परसेंट ऑफ एट भाई इसकी जगह पे तो एट आ गया अब फिफ्टी परसेंट ऑफ एट फोर फोर आ जाएगा भाई सिंपल सी बात है ये भी बताने की जरूरत है एट का फिफ्टी परसेंट वन बाई टू ऐसा भी तो कर सकते हैं ना फिफ्टी परसेंट क्या होता है वन बाई टू तो एट बाई टू फोर यहां तक सॉल्व हो गया अब क्या रह गया ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर चलो इसे तो कर ही देता हूँ मैं ट्वेंटी इन फोर अपॉन हंड्रेड फाइव तो आंसर आ गया फोर बाई फाइव एंड यू आर करेक्ट फोर बाई फाइव आंसर आ गया आ गया कि नहीं देखो भाई आया अब सपोज यहाँ से कोई स्टूडेंट बहुत टाइम पे आ जाता है अब आ रहा है मान लो कोई नया स्टूडेंट है बिल्कुल डायरेक्ट आया वो यहां पर बैठा और डायरेक्ट इसे देखने लग गया जित तो जितनी वो हिम्मत करके आया होगा आज से मैथ्स पढ़ूंगा तब ने उसको हिम्मत दी होगी वो यहीं के यहीं फेल होकर चला जाएगा ये क्या तो इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट परसेप्शन मत बनाओ जब मैं बता रहा हूँ तो उसे समझोगे तो आ जाएगा ठीक है मुझे खुद डरावना लग रहा है ये ओके नाउ क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर टू तो अपने आप कर दो कितना हाँ जी और किसी का सेवन एक्स वाई अपन टू थाउजेंड ओके और किसी का आया नहीं आया सेवन एक्स वाई अपन टू थाउजेंड हाँ तो गया टू थाउजेंड से ज़्यादा ही आ रहा है आपका हाँ हाँ आ गया देखो वो जीरो से कैंसिल करो नीचे का ये तो अपने आप ही कर लोगे ना सेवन सबसे पहले फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स वाई अपॉन एट्टी कराई देता हूँ मैं फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स वाई अपॉन एट्टी तो क्या करें फोर्टी इंटू एक्स वाई अपॉन एट्टी और अपॉन हंड्रेड होता है वो यहीं पे आ जाएगा अपने आप करके मैंने बता दिया ना पहले फ्रैक्शन का कैसे डिवाइड करते हैं सो नाउ दिस इज तो एक्स वाई अपॉन टू हंड्रेड और आंसर क्या आ रहा है तो बस यहाँ पे सेवन लगाओ यहाँ पे जीरो लगा दो बस आगे आंसर हैं सेवेंटी परसेंट ऑफ अब क्या करेंगे सेवेंटी परसेंट ऑफ अब ये रह गया ना एक्स वाई अपॉन ये समझ में तो आ रहा है मैं सिस्टमेटिकली करा सकता हूँ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ठीक है तभी तो मैं कहता हूँ कि जब तक क्लास में हो तब तक बोर्ड पर देखो. हैं स्कैम हो गया अभी नहीं होगा देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई सेवेंटी इंटू एक्स वाई अपॉन टू हंड्रेड और अपॉन हंड्रेड आ जाएगा इससे कैंसिल बस हो गया सेवन एक्स वाई अपॉन। ये सारे अपने आप भी करने हैं आज जाके सेम डे ये मैं सोचना आ गया बस हमने क्लास में कर लिया एक बार और कर लेना क्या प्रॉब्लम घर वालों ने क्यों भेजा आपको यहाँ पे पार्ट टाइम स्टडी के लिए या फुल टाइम स्टडी के लिए बड़े तो जाओ पार्ट टाइम स्टडी करना और काम भी करना वहाँ पे जाके घूमना फिरना पूरा दिल्ली नाप के आना ठीक है सारी डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सिक्सटी नाइन इज वॉट परसेंट ऑफ टू थर्टी देखो अब आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री है एंड सिक्सटी नाइन एंड टू थर्टी है एंड यू नो नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज आ गया कितना पक्का आपका भी तो 69 है 230 है एंड यू नो दैट यू नीड टू फाइंड आउट परसेंटेज बट यू डोंट नो वेर टू फिक्स सच नंबर्स। तो इसमें क्या करोगे 230 को डिनोमिनेटर में रख देना 69 को न्यूमिनेटर पे और इन टू हंड्रेड करना है तो सिंपल आंसर क्या आएगा एक बार और 30%। परसेंट थर्टी परसेंट लॉक कर दो अच्छा क्वेश्चन नंबर फोर कितना आ रहा है आपका भी तो नहीं और आपका सही होगा मुझे उम्मीद है यहाँ तक चलो मैं करके देखता हूँ मुझे डायरेक्ट कोई आंसर नहीं पता है पर करके देख लेते हैं एक्स वाई जेड इज वॉट परसेंट ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब देखो यहां पर भी दो फिगर्स हैं इसमें से आपको क्या लग रहा है बड़ी फिगर कौन सी है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब ऑब्वियसली वो बड़ी होगी फिगर तो ऐसे भी कर सकते हैं अदरवाइज एक्स वाई जेड देखो अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो काइंडली टेल मी नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ रही है और मैं आप टाइम नहीं है नहीं तो मैं हरिद्वार वगैरह जाके क्रैश कोर्स कराता था कि लोगों के मन को पढ़ने का पर मेरे पास वाकई में टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप अपने आप ही बता दिया करो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ओके क्योंकि समझ में ना आना कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसीलिए तो यहाँ पे हो बट अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता फिर तो एक्स वाई जेड इज वॉट परसेंट ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब तो आपको बताना है कि एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का क्या परसेंट है तो जिसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना होता है वी ऑलवेज पुट दैट एट द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर एंड वी पुट एट द डिनिनेटर द टोटल वैल्यू दैट इज द टोटल वैल्यू ओके और जब आपको वंस यू द प्रॉपर फ्रैक्शन टू फाइंड आउट परसेंटेज multiply टू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड percentage सिंबल सो नाउ इट विल बी हंड्रेड अपॉन कुछ ऐसे आ रहा है ना कुछ गड़बड़ होगी हाँ एक्सर सॉरी 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 हाँ वो भी कर सकते हैं वो बताया है ना मैंने ऊपर नीचे जैसे भी आप जो कह रहे हैं उस उस हिसाब से इसको लिख देंगे x माइनस टू और 100 भी लगा सकते हैं अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड की होल माइनस टू ठीक है लोग इधर मत देखना कोई भी यहीं तक ही रहो क्वेश्चन नंबर फाइव कितने लोगों डर लगाए इसे देख के हो गया आंसर टेन इतना बड़ा क्वेश्चन है आंसर टेन बस फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी ट्वेंटी आंसर आ रहा है टेन अच्छा फोर्टी परसेंट देखो अब अब जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको एक बात पता है व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ नंबर यू हैव हंड्रेड इन डिनोमिनेटर प्लेस हंड्रेड आता है ना एक्स इन टू तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके ऊपर जो न्यूमिनेटर के प्लेस पर दो एक्स्ट्रा जीरो हैं वो हंड्रेड से कैंसिल हो जाएंगे हंड्रेड से कैंसिल होंगे कि नहीं अगर किसी भी तरीके से यू हैव टू एट द एंड एट द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर तो नीचे जो हंड्रेड है उससे दो जीरो तो कैंसिल हो ही जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट में आपको पेन अवॉइड करना है देखो फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी तो आपको पता है कि फोर्टी और फिफ्टी का आप मल्टीप्लाई करोगे ठीक है तो कितना आ जाएगा टू थाउजेंड आएगा कि नहीं वो भी छोड़ो पहले ये देखो फिफ्टी में एक जीरो है फोर्टी में एक जीरो है मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में दो जीरो आएंगे आएंगे अपॉन में क्या आएगा हंड्रेड तो इन जीरो को यहीं यहीं कैंसिल कर दो तो फाइव फोर ट्वेंटी तो ट्वेंटी विल बी दिफ्टी परसेंट ऑफ फोर्टी देखो कर... कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे कर लो फिफ्टी इंटू फोर्टी अल्टीमेटली करना तो वही है ना तो आपको पता है कि नीचे हंड्रेड आएगा ही आएगा तो ऊपर अगर आपको लग रहा है कि हियर वी कैन कैंसिल टू जीरो पूरा करने की जरूरत नहीं है तो फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी इज वॉट ट्वेंटी नाउ फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी अगेन का एक जीरो कैंसिल कर देंगे ट्वेंटी का एक जीरो कैंसिल कर देंगे फाइव टू टेन और फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं करूं तो क्या होगा यही है ना फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा टेन अब ऑनेस्टली बताना कितने लोगों को समझ में आया ये और कितने लोगों को नहीं आया अब मैं क्या समझू हैं बताऊ मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम देने के बाद आप ये कहो कि सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया ठीक है और फिर भी अगर आप ये कंप्लेन लेके आए तो मैं आपको नहीं पहचानता ठीक है मेरा आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं मैं पहली बार मिल रहा हूँ उस टाइम पे आपसे ओके देखो फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी इज हाउ मच मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी मतलब कि फिफ्टी का फोर्टी परसेंट ट्वेंटी का फिफ्टी परसेंट से कितना ज्यादा है इन जनरल टर्म्स वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस क्या पता करना है डिफरेंस पता करना है वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तो फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी क्या होगा फोर्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी इन टू फिफ्टी अपॉन हंड्रेड इससे ये कैंसिल इट विल बी ट्वेंटी एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी 50 इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड कैसे भी करो आंसर आएगा दैट विल बी 10 अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इज क्या कह रहा है हां दिस इज हाउ मच मोर देन दिस तो 20 10 से कितना ज्यादा है 10 10 ही तो है ट्वेंटी माइनस टेन तो आंसर क्या होगा अब ये मत कहना कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और आपके पास इस बात का एडवांटेज नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि आपका पेपर टू क्या है इंग्लिश है ना तो जर्मन में तो लिखा नहीं है ऐसा मत करना मैंने बताया था देर वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट वो बहुत टाइम से मतलब एक ऐसा टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे डायरेक्ट वन टू वन मुलाकात हो जाए उसकी काफ़ी मेहनत के बाद डेडिकेशन के बाद उसे वो मौका और उसने मुझसे मिलते ही क्या कहा कि सर ये जो आप क्वेश्चन शीट्स आती है ना इसमें हिंदी में लिख दिया कर तो कर मैं तुम इसीलिए कोशिश रहे थे, थे, थे। हाँ सर मैं तुम्हारा पेपर टू कौन सा है इंग्लिश नहीं तो थोड़ा सोचना ठीक <laughs> है तो इंग्लिश तो बिल्कुल सिंपल है कोई दिक्कत नहीं हाउ मच मोर देन दिस अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन ऐसा आता है देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये बिल्कुल एग्जाम का फॉर्मेट है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि करेक्ट इक्वेशन के लिए या ट्रू ट्रू स्टेटमेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि इसमें और कुछ नहीं देगा आप यही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है लास्ट लास्ट तो है नहीं चार ऑप्शन ए बी सी डी अच्छा हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं समझिए अच्छा आपका डी ऑप्शन आ रहा है तो देखो ट्रू स्टेटमेंट वही होगा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट एंड साइड मैथ्स की अपनी लैंग्वेज होती है दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द मैथ्स तो सबसे पहले इसमें देखो पेन भी नहीं चलाना है आपको हर जगह पे पेन मत चलाओ उससे पता है क्या होता है एक तो आपका ब्रेन एंड आई कोऑर्डिनेशन खराब होता है और उसके अलावा दो नुकसान और होते हैं एक तो आपकी नोटबुक में दो चार लाइन भर जाती हैं भाई जल्दी खत्म होगी फिर मार्केट के जाके खरीद के लाओगे ना अब वो अलग बात है आपकी खुद की फैक्ट्री है वो एक अलग चीज़ है ऊपर से पेन पेन की इंक भी तो खत्म होती है तो ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखो कॉस्ट कंट्रोल करो आप में से कुछ बुक्स पढ़ते हैं जो मार्केट में जो मोटिवेशनल या वैसे कुछ बुक्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑथर्स वगैरह होते हैं तो एक बुक है रिच डेड पुअर डेड ठीक है अच्छी बुक है खाली टाइम में अपने ये पढ़ने वाले मालूम पड़ा कि अपने आपको इंटेजेंट दिखाने के लिए जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे वो वो खाली टाइम में पढ़ने की चाहिए जैसे आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो उस टाइम पे पढ़ नहीं सकते हो अब तो ऑडियो ऑडियो लाइब्रेरी आ गई है उन्हें पता था कि आने वाली जनरेशन ऐसी होगी पर टाइम बहुत कम होगा वो किताब पढ़ नहीं पाएंगे तो बोलने वाले का भी इंतजाम कर दिया है समराइज़ कर देते हैं और एक बुक है हैबिट्स बुक्स तो बहुत अच्छी अच्छी हैं आप चाहो तो इन बुक्स को पढ़ सकते हो ठीक है और ये आपको बहुत बेनिफिशियल बुक्स हैं जब आप उन्हें सुनोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप जिस लाइन में किसी भी लाइन में जा रहे हो उनके असर आपको आगे तक दिखेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी में सामने वाले को दिखती हैं वो ऑटोमेटिक जो अंदर आती हैं सामने वाले को अपने आप डिफरेंस दिखता है कि थॉट में प्रोसेस में बिहेव में रिएक्शंस में बोलने में हर चीज़ में अलग चीज़ है ठीक है तो आप ये पढ़ सकते हो तो वहाँ पर ये छोटी छोटी बातें हैं कि जहाँ पर देखो कंजूस बोलते हैं ना माइजर टाइप और एक रीजनेबल पर्सन में बहुत अंतर होता है रीजनेबल पर्सन ये है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा खर्च नहीं करना है और कंजूस मर जाएगा भूखा ठीक है उसे 90 परसेंट डिस्काउंट पे भी खाना दे देना नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा वो कंजूस होता है तो ऐसे नहीं करना है तो बुक पढ़ सकते हो तो क्वेश्चन नंबर सिक्स ए अब इसमें देखो ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी पेन चलाने की जरूरत नहीं है एक तो ट्वेंटी का जो जीरो है अपॉन में तो हंड्रेड आ ही है तो ट्वेंटी का जो जीरो है और एक फिफ्टी का जीरो है तो अपॉन हंड्रेड के दोनों जीरो से वो कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्ट यहां पे फाइव इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन अब इसकी राइट हैंड साइड चेक करो वो भी वही है इसमें भी जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे फाइव इंटू टू टेन तो इसका मतलब टेन टेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बट आंसर टू बी गिवन इज अबाउट नॉट ट्रू स्टेटमेंट तो ये तो हो नहीं सकता अब बी पे आते हैं जीरो कैंसिल कर दो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व अब राइट हैंड साइड पे आते हैं दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व समझ में आ रहा है ना मेरी हां में मत हम नहीं तो बर्बाद हो जाओगे पहले भी हो चुके हैं ठीक है तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू तो राइट हैंड साइड नाउ थर्ड वन सिक्सटी परसेंट ऑफ सेवनटी तो इसमें तो दोनों जीरो जो है कैंसिल हो जाएंगे तो सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू एंड राइट एंड साइड्स इसमें सेवन हंड्रेड के दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू अगेन लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल टू राइट एंड साइड ये भी सही है अब डी को देखने की जरूरत है ये होता है स्मार्ट वर्क जब आपको पता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो चौथे में टाइम वेस्ट मत करो लगा दो टिक यही होता है टाइम ऐसे ही बचता है जब आपको पता है कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो फोर्थ ही बेकार होगा गलत के देखोगे देख लो कभी-कभी एक्स्ट्रा टाइम भी तो होता है ना तो काम क्या करेंगे चलो तो 30% ऑफ 50 तो 00 कैंसिल हो जाएंगे 3 into 5 दैट इज 15 अब राइट हैंड साइड पे आते हैं इसे देखते ही कबाड़ा हो गया टेंशन होगी ना इसे देखते ही, 25 into 12 मतलब कुल मिलाकर के ये नॉट टू स्टेटमेंट यही है छोड़ दो इसे तो कहने का ये है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड उसकी प्रैक्टिस होगी लेकिन जब भी क्वेश्चन करना कोई कुछ भी दे देर परसेंट ऑफ वन थाउजेंड फोर परसेंट ऑफ वन थाउजेंड तो आपको पता है कि अल्टीमेटली आप क्या करोगे यू विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम और यहां पे हंड्रेड आएगा तो अल्टीमेटली ये हंड्रेड के दो जीरो आपको कैंसिल करने पड़ेंगे वहीं पर डिनोमिनेटर पार्ट विल बी सॉल्व तो यहां पर कहीं पर भी आपको दो जीरो मिल रहा है ना यहीं पर कैंसिल कर दो और दो बस तो क्या हो गया फोर्टी लेकिन अगर आपको फॉर्मूले से ही करना है तो भाई आपका राइट है फंडामेंटल राइट है कि नहीं कितने होते हैं फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं कितने जब मैं इधर देख रहा था तो आंसर बिल्कुल सही दिया था अब मैंने ऐसे पूछा कितने गए। सिक्स होते हैं कितने पहले ज़्यादा होते थे पहले सेवन होते थे उसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी अब वो क्या राइट right है ये तो फंडामेंटल राइट right था पहले फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी भी था मतलब आपकी प्रॉपर्टी है आपकी जब तक मर्जी नहीं है कोई इस पर कुछ कर नहीं सकता राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया फंडामेंटल राइट right से हटाया कौन सा अमेंडमेंट था फोर्टी फोर्थ नाइनटीन अब वो आर्टिकल आर्टिकल पता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए में लीगल राइट right बना दिया है मतलब प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी है वो आपसे लीगल तरीके से अक्वायर की जा सकती है जैसे कि अगर मान लो आपने देखा होगा देश में नेशनल हाईवेज वगैरह बन रहे हैं ब्रिज बनते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं भाई किसी न किसी की प्रॉपर्टी होती है ना वहाँ पे तो उसको अक्वायर किया जाता है लीगल तरीके से कंपेंसेशन दे के बात करके लेकिन उन्हें चाहिए तो चाहिए गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है आपसे अगर ऐसा नहीं होता तो सो कॉल डेवलपमेंट नहीं होता देश का ताज एक्सप्रेस वे आगरा से अब तो खैर लखनऊ तक चला तो गया है उसको यहाँ तक बनाना है हालांकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे अब मालूम पड़ा कि सीधा एक्सप्रेस वे तो सीधा ही बनेगा दो लोगों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया अगले तीन ने दे दी फिर चार लोगों ने मना कर दिया तो बन गया एक्सप्रेस <गण> बनाओगे और कैसे होगा डेवलपमेंट कैसे बनेगा लॉजिस्टिक्स कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक कम टाइम में पहुंचेंगी डिमांड एंड प्रोडक्शन तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए फिर राइट टू प्रॉपर्टी को क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट रहता तो कोर्ट भी किसी को लेने नहीं दे सकती है वो इससे डेवलपमेंट में वो आता तो लोगों को यह चीज समझ में आए उससे पहले उसे लीगल राइट बना दिया आज की डेट में अगर मान लो लीगल राइट नहीं होता फंडामेंटल राइट होता तो कोई ले सकता था और देश में क्या हो रहा होता बैलगाड़ियां चल रही होती क्योंकि ऐसे रोड पे तो बीच में जमीन है ऊपर तो वहां पर तो बैलगाड़िया चलेंगी ओके <laughs> तो इसलिए वो हटा दिया गया था तो फंडामेंटल राइट तो क्वेश्चन कैसे करना है ये भी आपका फंडामेंटल राइट है ओके आने वाले टाइम में जो आपको डाटा मिलता है मोबाइल डाटा ये भी आपका एक बेसिक राइट बनने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कर सकते अगर आपका मोबाइल अभी भाई आप में से किसी का नहीं किसी थर्ड पर्सन का बुरा मान जाओगे अभी मोबाइल खराब हो गया ऐसा लगेगा कि उसे वेंटिलेटर पर पहुंचाना पड़ेगा इतना टेंशन में आ जाएगा और जब से ये यूपीआई और ये आपके ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह स्टार्ट तब से तो आपकी बिल्कुल इन एलिनेबल नीड जो आपसे अलग हो ही नहीं सकती और ऊपर से वो सिम है जिससे आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए उसी मोबाइल में रहनी चाहिए तो आप फाइनेंशियली यू विल बी डेड अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है तो।, तो और वो भी चलाने के लिए आपको चाहिए क्या डाटा भाई पेमेंट आप किससे करोगे डाटा होगा ठीक है तो लगता है कि डाटा भी आने वाले टाइम में इलेक्शन हुआ करेंगे पता कैसे अगर हमारी सरकार आएगी तो एक जीबी डाटा डेली फ्री ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में ये सब बेसिक नीड ऑर्डर आ, आ, आ सकता है कि कि बेसिक राइट है सबको डाटा मिलना चाहिए तो सरकारों को देना पड़ेगा अभी आपको पता है हीट स्ट्रोक चल रही थी लोग काफ़ी बहुत तो ऑलमोस्ट डेड हो गए थे तो हीट स्ट्रोक्स वगैरह इतनी खतरनाक चली थी तो कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट को हीट स्ट्रोक्स को नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए तो नेशनल डिजास्टर घोषित करने का मतलब क्या है कि अगर इनसे कोई भी मरेगा तो गवर्नमेंट को कंपेंसेशन देना पड़ेगा देख लो एसी कितने लोगों को पसंद है कितने लोग हैं जो एसी के बिना नहीं रह सकते कितने लोग हैं जिन्हें मौसम से प्यार है क्लाइमेट चेंज से ए वाले तो हाथ खड़ा मत कर देना बिल्कुल भाई या तो ए से प्यार कर सकते हो आप और जब ए पसंद है तो क्लाइमेट चेंज का क्या करोगे फिर क्या करोगे चलो कोई नहीं अपने आप सोचते रहना इन सब्जेक्ट्स के अलावा ये भी सब्जेक्ट्स हैं सोचने वाले नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखो ये ये अच्छे क्वेश्चन हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन करो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना क्वेश्चन नंबर नाइन और मैं तो ये कहूंगा इसमें पेन नहीं चलाना है देखने में कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो बट ये बिन... नहीं वैसे चला लो कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग तो में लेकिन मैं ये बता रहा हूं ये पेन ऐसा है सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें आपको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो बट हाउ आई विल टेल यू कौन सा बी तो आपने जो मैंने सोचा है वैसे ही किया है क्या क्यों आपने वैसे ही किया है जो मैंने सोचा है? है नहीं नहीं आप आप अपना करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो कर भी रहे हैं बातें कर रहे हैं सब है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स मुझे सही लग रहा है हाँ सही है सही है सही है सही है ट्वेंटी एट पॉइंट वाला ही आए देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू टू बाई सेवन मतलब आपके सामने फ्रैक्शन है एंड दिस इज इक्वल टू वॉट परसेंटेज ये सिंपल द क्वेश्चन इज दैट ये कितने परसेंटेज के इक्वल है देखो इसको आप ये सब दिमाग में करना है बताने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इसे आप ऐसे भी कर सकते हो टू इन टू वन बाई सेवन है एंड वन बाई सेवन इज फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट टू तो अलग है वन बाई सेवन ये होता है ना ठीक है पहले तो यहां तक क्लियर है मैंने बताया था ना पागलों की तरह चिल्ला रहा था इतनी देर से तो वो समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा है आ जाएगा तो टू इंटू फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट ये वन बाई सेवन की वैल्यू होती है अब इस टू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो पु... होगा तो फोर्टीन इंटू टू कितना होता है ट्वेंटी एट और ये भी कोई पॉइंट में वैल्यू होगी तो टू का उसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना तो ट्वेंटी एट से हल्का फुल्का ऊपर ही तो जाएगा अब इसमें ऑप्शन देखो ट्वेंटी एट से थोड़ा सा ऊपर कौन सी वैल्यू है नहीं निकाल तो सर और भी तीन तरीके हैं बट मैं ऐसे बता रहा हूं आप ऐसे अप्रोच लगा सकते हो आपको फ्रैक्शन पता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा है तो मैंने जो बताया था ना वन इज इक्वल टू हंड्रेड उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है तो इसमें आप अब इसमें कुछ भी आपको टू बाई सेवन है तो ये दिमाग में करना है टू इसमें वन बाई सेवन अलग हो जाएगा वन बाई सेवन फोर्टीन टू होता है तो इस टू का हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टीन में तो कंप्लीट ली जाएगा तो ट्वेंटी एट से ऊपर ही वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ द वैल्यू विल बी लिटिल बिट मोर देन ट्वेंटी एट तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो क्लियर कट है दैट इज बी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सिक्स क्वेश्चन है ही इसीलिए कि आप इसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में चला सकते हैं ठीक है ईगो पे मत ले जाना किसी बात को अभी एटीट्यूड रखो ईगो नहीं पता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड एटीट्यूड ईगो उन लोगों में होता है जिनमें कुछ भी नहीं होता आता जाता कुछ नहीं है लेकिन ईगो ईगो हर्ट होता है उनका और एटीट्यूड एक वर्ड और होता है रैक्टीट्यूड लेकिन इतना डीप में नहीं जाते हैं एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर कुछ है आपके अंदर कुछ है आप उस वजह से थोड़ा सा चाहे बोल लो कुछ भी बोल दो तो एटीट्यूड रखो और जब तक एटीट्यूड रखने लायक लेवल नहीं है तो बात बात पर ईगो हट करो बस ठीक है <laughs> आपने देखा होगा ना इस लाइफ में ईगो बहुत हट होता है उसका ईगो हट हो गया समझ लो इसका ईगो ये बस और कुछ नहीं है और जैसे ही कुछ आ जाएगा तो एटीट्यूड डिस्टर्ब होगा तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन तो ऐसे ही करना था नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन ये तो देखने में भी डेंजरस लग रहा है हैं? ऐसा <laughs> कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस अगेन आई एम ट्रेलिंग and in all the batches i keep repeating and i keep repeating until i am here same day aapko wahi whatever i am teaching in the same class i want you to reattempt all the questions either i say or not agar main aapse kehna bhi bhul jaau to aapko same day repeat karne hai sare questions ghar ja ke nahi to fir nahi aayega kuch bhi आपका फेवरेट subject भी आपके पास है अगर आप revision नहीं कर रहे हैं तो वो भी बेकार हो जाएगा उसका भी फिर कोई नहीं जाता ठीक है तो नाउ देखो क्वेश्चन तो लाइन लेंथ नंबर ऑफ लाइंस इनको देख करके अपना परसेप्शन मत बनाना कि दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन अब यहां पर आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन वाली जो क्वालिटीज है ना जो इंग्लिश में करते हैं बस वो यहां पे यूज होंगी आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है एंड वन बाई वन लाइन दिस इज नॉट सडनली 360 डिग्री में पूरा क्वेश्चन देख डाला ऐसा नहीं करना है लाइन बाई लाइन तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है अ फ्रूट सेलर अब ये तो पता है ना फ्रूट सेलर कौन होता है तो बस हो गया क्वेश्चन सारी कहानी इसी की है अ फ्रूट सेलर सेल्स 80 परसेंट ऑफ फ्रूट्स ही हैड उसके पास जितने भी फ्रूट्स हैं उसका 80 परसेंट उसने क्या कर दिया देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप अज्यूम कर सकते हैं कि उस पर हंड्रेड फ्रूट्स हैं कितने परसेंटेज के क्वेश्चन है ना तो हंड्रेड फिगर इज बेस्ट फिगर अब मान लो उस पर हंड्रेड फिगर्स हैं हंड्रेड फ्रूट्स हैं इसका बहुत बेनिफिट मिलता है हंड्रेड मानने का अगर तुम और कुछ मानोगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो उस पर कितने फ्रूट्स हैं फ्रूट्स हंड्रेड है उस पर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने बेचे एट्टी तो कितने बेच दिए इसका मतलब व्हाट इज एट्टी ऑफ हंड्रेड यही फायदा है बस इसका इसका जितना परसेंटेज निकालना है उतना ही होगा अभी मैं कर देता है वन ट्वेंटी मान लू कुछ भी मान लू तो आपको फाइंड करना पड़ेगा तो हंड्रेड का एट्टी परसेंट कितना होता है एट्टी इट मीन सोल्ड एट्टी बचे कितने इतना तो पता है ना जब हंड्रेड में से एट्टी माइनस करेंगे तो ट्वेंटी जाऊंग हंड्रेड में से एट्टी गए तो अब कितने रिमेनिंग ट्वेंटी पहली लाइन क्लियर अब सेकंड लाइन पे आते हैं अब ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग कॉम्प्रिहेंशन है बस और कुछ नहीं ट्वेंटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंग कितने हैं ट्वेंटी इसके ट्वेंटी परसेंट थ्रो कर दिए तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी कितना होता है फोर परसेंट नहीं फोर ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फोर ठीक है समझ में आया ना इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड तो थ्रो कितने कर दिए उसने फोर फोर क्या है फ्रूट्स ट्वेंटी परसेंट तो है वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग भूल गए फ्रूट्स की बात कर रहे हो ओके तो फोर क्या है फ्रूट्स हैं तो चार फ्रूट खराब हो गए फेंक दिए अब आगे सेकंड लाइन भी क्लियर नेक्स्ट डे ही सेल्स फिफ्टी अब जब उसने इसमें से रिमेनिंग में से फोर थ्रो कर दिए तो अब कितने बचे ट्वेंटी में से फोर माइनस कितने अरे ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस फोर इसमें भी डर रहे हो बताने में ट्वेंटी माइनस फोर सिक्सटीन अब नेक्स्ट डे उसके पास कितने सिक्सटीन है तो नेक्स्ट डे वो क्या करता है सेल्स फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट अब उस पर सिक्सटीन बचे थे उसका फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इज वॉट वन बाई टू तो डायरेक्ट वन बाई टू कर दो नहीं तो फिर फिफ्टी परसेंट वैसे ही करना है तो वैसे कर लो ठीक है तो उसने कितने शोल्ड कर दिए अगेन एट अब उसने आठ तो अब उसके पास कितने बचे भाई सिक्सटीन में से एट उसने बेच दिए तो कितने बचे और आठ का क्या किया उसने फेंक दिए ना फ्रूट्स एंड थ्रोज अवे थ्रोज अवे द रेस्ट उसने अगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बस मोबाइल को नोटिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साइलेंट और उल्टा ऐसे मत रखना नहीं तो आपको थोड़ी सी भी लाइट जल गई और बीच में से आपने ब्रेक कर दिया क्वेश्चन तो शुरू से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोविटेड जहां से शुरू करो बीच में व्हाट्सएप चेक करने मत लग जाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो व्हाट्सएप में ही रह जाओगे क्वेश्चन मोबाइल रखो साइड में जहां से शुरू करो फिर एंड तक जाना है नहीं तो बीच में फिर भूल जाओगे कहां से ये ठीक है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन नहीं है बस वन बाई वन वन बाई वन आगे बढ़ना है तो अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है वॉट परसेंटेज ऑफ इज फ्रूट थ्रो इन टोटल तो टोटल उसने कितने थ्रो किए और टोटल तो, थे तो, कितने तो ट्वेल्व इज वॉट परसेंट ऑफ हंड्रेड उसने जितने फेंके उसी का तो परसेंटेज निकालना है ना तो ट्वेल्व इज वॉट परसेंट ऑफ हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट हंड्रेड मानने का यही फायदा होता है आपको कैलकुलेट नहीं करना है 12 का जितना 100 का जितना भी परसेंटेज निकालोगे उतना ही होगा ओके हाँ, हां 12% नहीं समझ में आया अभी प्रो कर दिए टोटल 12 और उस पे थे कितने स्टार्टिंग में इनिशियली ही हैड 100 इन टोटल तो 12 इज जो थ्रो थ्रो किए हैं फ्रूट्स वही तो परसेंटेज निकालना है ना टोटल का तो 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100 दैट इज 12% ज्यादा करना है तो ऐसे करके देख लो 12 बाय 100 ड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल अगर आपके पास टाइम है आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो थोड़े दो चार लाइन और लिख दो उसमें क्या दिक्कत है ठीक है अब ये सच सच बताना जब ये टफ क्वेश्चन था बस मोबाइल्स को साइड <श्ञाएं> जाएगा सबसे बड़ा दुश्मन आप जेब में लेके चल रहे हो नहीं मेरे में भी है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं इस दोस्त को ज़्यादा हावी नहीं होने दुश्मन को ज़्यादा हावी नहीं होने देता हूं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है सॉरी मैं दोस्त बोल रहा था वो आप अपने साथ ही लेके चल रहे हो ठीक है लेकिन ये दुश्मन कंट्रोल में रह सकता है ठीक है और अगर ये हावी हो गया तो दैत्य बन जाएगा क्या बन जाएगा क्या बोलते हैं डिमोन क्वेश्चन नंबर एट पंद्रह हजार डॉलर फिफ्टीन थाउजेंड बुक्स यही आ रहा होगा आपका सही कनेक्शन मिल रहा है क्या चक्कर है पुराने दोस्त हो गए आप लोग सही है। कितने लोगों के सर में दर्द हो रहा है नहीं मेरी वजह से नहीं खाना वाना नहीं खा के आए होंगे इस चक्कर में कितने लोगों के सर में दर्द हो रहा है सही सी बताओ उसी को एक्स्ट्रा क्लास दूंगा मैं अब कोई नहीं बताएगा चलो अल्टीमेटली ये कि बोलना मत के सर में दर्द हो रहा है और कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं बार बार कोई फ़ायदा नहीं है घड़ी देखने से हाँ जी इन आ, हाँ करो बड़े कोशिश करो यूं ही बैठे बैठे नदियां पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती करो कोशिश आंसर सबका आएगा गलती तो आएगा बस तो नहीं सकता कितना आ गया ओह <laughs> पॉइंट में आंसर आ रहा है पॉइंट में भी कुछ आ रहा है कि जीरो पॉइंट के बाद भी जीरो आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है तो तो आपने छोटा मोटा स्कैम नहीं किया बहुत बड़ा स्कैम कर दिया चलो अभी पता चलेगा इंक्वायरी बैठेगी इंक्वायरी में पता लगेगा कि स्कैम कहां पे हुआ है इन अ बुकशॉप बुक शॉप में क्या मिलता है किताबें बुक्स ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी अगेन वही चीज है आप क्या करो कि जितनी भी टोटल बुक्स है उनको हम मान लेते हैं हंड्रेड में ठीक है कि टोटल बुक्स टोटल बुक्स कितनी है हंड्रेड हम मान रहे हैं हंड्रेड हम मान रहे हंड्रेड बुक्स हैं नाउ फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल बुक्स ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी तो इसका फोर्टी परसेंट कितना हुआ टोटल का तो हिंदी में हिंदी की बुक्स कितनी है कोई प्रॉब्लम बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए भाई अभी तो कुछ बताया ही नहीं शुरूआत है फोर्टी नहीं सेवन टू जीरो जीरो लेकिन बीच में छोड़ दिया मुझे लगता है क्वेश्चन आपने सेवन टू जीरो जीरो आएगा कुछ बीच में देखते हैं ए न बुक शॉप तो हमने कितनी बुक्स मानी Let the total books be 100 in that bookshop. Now, according to question, 40% of the books are in Hindi. So, what is the 40% of 100? 40. ऑफ हंड्रेड हम मानते हैं हंड्रेड लिए. इसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है आगे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट होता है एक लाइन तो हिंदी की बुक्स कितनी है फोर्टी सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग बुक्स सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग बुक्स तो रिमेनिंग कितनी थी पहले भाई हंड्रेड में से फोर्टी हिंदी की होगी तो रिमेनिंग कितनी है और मुझे उम्मीद है इन चीजों में आप मुझे अटैक नहीं दोगे रिमेनिंग तो पता कर ही सकते हो आराम से हंड्रेड माइनस फोर्टी इज इक्वल टू सिक्सटी नाव सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग बुक्स तो रिमेनिंग बुक्स हैं सिक्सटी इसका सिक्सटी परसेंट कितना होगा थर्टी सिक्स 60 सिक्सटी का सिक्सटी परसेंट जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे सिक्स इन टू सिक्स वो किसमें है उर्दू में उर्दू में थर्टी सिक्स समझ में आया रिमेनिंग बुक्स कितनी है इफ आउट ऑफ हंड्रेड बुक्स फोर्टी आर ऑफ हिंदी रिमेनिंग बुक्स आर हंड्रेड माइनस फोर्टी सिक्सटी एंड नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिक्सटी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग बुक्स इट मीन सिक्सटी परसेंट ऑफ दे आर ऑफ उर्दू तो थर्टी सिक्स होती हैं तो उर्दू की कितनी है थर्टी सिक्स आगे और बढ़ते हैं रिमेनिंग थर्टी सिक्स हंड्रेड बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेजेस अब समझो बात को हंड्रेड की फोर्टी हिंदी उर्दू की थर्टी सिक्स तो फोर्टी थर्टी सेवेंटी सिक्स तो हंड्रेड माइनस सेवेंटी सिक्स कितना ये जो ट्वेंटी फोर बुक्स हैं ये रीजनल लैंग्वेजेस में लेकिन यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी हंड्रेड हमने मानी थी ठीक है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी बच रही है थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है थर्टी सिक्स ये परसेंटेज नहीं है ये थर्टी सिक्स हंड्रेड इन नंबर इतनी बुक्स बची हैं इट मीनस दिस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू उन्होंने उनकी जो बुक्स बच रही हैं हमने तो हंड्रेड मानी थी ना हम हंड्रेड के हिसाब से वो पार्ट्स को लेके चल रहे हैं ट्वेंटी फोर क्वेश्चन कितनी रिमेनिंग है हमारे पार्ट्स के अकॉर्डिंग वी हैव रिमेनिंग बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है थर्टी सिक्स हंड्रेड तो हमने जिस तरीके से पार्ट माने हैं इट मीनस दिस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड जैसे हमने हंड्रेड यहां पर बुक्स मानी है समझो तो जो भी उनकी टोटल बुक्स होंगी उनको हमने 100 के इक्वल कर दिया है ओके okay? होता है ना जैसे वन इज इक्वल टू फाइव ऐसे मानते हैं तो यहां पर थर्टी सिक्स हंड्रेड बुक्स बची हैं अकॉर्डिंग टू आर सेलेक्शन दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो वन की वैल्यू कितनी आएगी थर्टी सिक्स हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर भाई, भाई यूनिटरी मेथड ऐसे ही तो होता है ना यूनिटरी मेथड ऐसे ही होता है अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीस रुपए ट्वेंटी रुपी के टू हंड्रेड के फाइव एप्पल्स हैं तो मैं आपसे ये पूछूंगा वन एप्पल कितने का है तो आप क्या करोगे या इसकोल्टा कर देते हैं फाइव एप्पल्स कितने के हैं टू हंड्रेड के हैं तो वन एप्पल कितने का होगा इस फाइव से डिवाइड करोगे ना इसमें तो यहाँ पे वन की वैल्यू जब भी निकालते हैं वेन एवर वी हैव टू इक्वेशन लाइक लेफ्ट एंड साइड एंड राइट एंड साइड एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन तो हम क्या करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में डिवाइड कर देते हैं वन की वैल्यू ये यूनिटरी मेथड होता है तो ऐसे ही इफ ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड देन से डिवाइड कर देंगे ठीक है दिस इज जो हमने हमारी हमने जो हंड्रेड बुक्स मानी है जो हमने हंड्रेड बुक्स मानी है तो उनकी अपनी कोई टोटल बुक्स है, ये तो, हमने मानी है। तो इस एक की वैल्यू इतने के बराबर है इस एक की वैल्यू इतने के बराबर है ये आगे भी क्वेश्चन आएंगे द वैल्यू ऑफ फ्रॉम दीज हंड्रेड बुक्स इसमें से एक इतने के बराबर है तो हमें कितने की निकालना है टोटल बुक्स निकालनी है ना तो टोटल हमारे पास कितनी है तो हंड्रेड के लिए क्या करेंगे इफ इज इक्वल टू दिस अगर मैं कह रहा हूं एक पेन की कीमत दस रुपए तो दस पेन की कीमत कितनी होगी दस से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे इफ वन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड बाई ट्वेंटी फोर देन हंड्रेड इज इक्वल टू इसमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है ये एकेडमिक्स का एक अपने तरीके से भी कर सकते हैं एक्स वगैरह मान के वो एक अलग चीज है लेकिन यहां पे ऐसे नहीं करना है आप में से कोई पीसीएम वाला है फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दरअसल जो पीसीएम वाले हैं उनको अपना वही तरीका अच्छा लगता है एक्स वगैरह मान के वो ये ठीक है सीख लो, देखो अगर आपका मैथ्स आपने पीसीएम पढ़ा है मैथ्स वगैरह तो होता यह है कि आपको हो सकता है यह लेंदी लगे वो जल्दी जल्दी एक्स वगैरह करके वो अपना दिमाग का कोऑर्डिनेशन होता है लेकिन यह है कि यहां पे यही तरीके होते हैं ऐसे करके आप जनरल लाइफ में कभी एक्स वाई मान के क्वेश्चन नहीं करते हो ठीक है डायरेक्ट दिमाग लगाते हो आइडिया बताया था ना मेरा फ्रेंड आज तक अच्छे परसेंटेज नहीं लाया और जो क्वेश्चन क्लास के टॉपर्स पर नहीं आ रहे थे उसके आंसर दे दिए उसने उस टाइम पे मैं भी टेंशन में था घर आने तक ठीक है तो ये क्वेश्चन करके देखना दिस इज फिफ्टीन थाउजेंड देखो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है हमने मोटा मोटा आइडिया लिया कि हमने टोटल बुक्स कितनी मानी थी हंड्रेड मानी थी बट हमें रियलिटी में नहीं पता है कि क्वेश्चन में बुक्स कितनी है बट हमने उनको हंड्रेड पार्ट्स में अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया ठीक है और हम हंड्रेड और जो एंड में हमारे पास यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट दिस स्टेज वी हैड ट्वेंटी फोर बुक्स लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी बुक्स बची हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड इसका मतलब जो हम लेके चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल हैं यहां से हमें एक हमारा जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू पता चल जाती है और जब एक पार्ट की वैल्यू पता चल जाती है तो हमने टोटल बुक्स कितनी मानी थी हंड्रेड ज इक्वल टू दिस देन हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें मैंने बताई दिया है दस पेन की कॉस्ट क्या होगी एक का दस रुपये एक का दस रुपए लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है एक पेन का दस रुपए एक पेन का आपकी बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बताता हूं वन पेन इज इक्वल टू एक पेन जो है दस रुपए का है तो दस कितने के होंगे हंड्रेड के तो आपने क्या किया टेन से मल्टीप्लाई कर दिया ना बस अभी एक पेन ट्वेंटी रुपी का है तो टेन कितने के होंगे हाँ? एक पेन ट्वेंटी का है सोच चलो टू हंड्रेड का ना तो आपने किया क्या टेन से मल्टीप्लाई कर दिया अगर वन पेन आपका फिफ्टीन का है तो फिफ्टीन पेन कितने के होंगे यहाँ फिफ्टीन का स्क्वायर काम आएगा ठीक है तो कर क्या रहे हो आपको एक की वैल्यू पता है और जितने की पता करनी रहे उतने का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही तो हमने किया है यहां पे वन इज इक्वल टू दिस तो हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दिया अब यह समझने में दिक्कत आ रही होगी ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी दिक्कत तो आई है मुझे पता है लेकिन ऐसे ही तो करते हो ना जब मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो मुझे नहीं लगता है, आप में से कोई उल्टा शॉपकीपर को होंगे लेकिन यहां पर समझने में दिक्कत होती है तो ये वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी यू आर द पार्ट ऑफ इन डे टू डे लाइफ बट टेक्निकली यू डोंट नो अबाउट देम तो देखो क्वेश्चंस तो करने हैं रिएटर्म तो करने हैं तब और ज्यादा क्लैरिटी से आएगा ठीक है अगर चीज कहीं पे फंसती है इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम वाईल सॉल्विंग द क्वेश्चन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इफ़ यू आर ट्राइंग देन यू हैव प्रॉब्लम इट्स गुड ये बढ़िया चीज़ है और मुझे अच्छा लगेगा कि आगे पूछा करो मुझसे ठीक है इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाने का टाइम मिलेगा आप इसीलिए नहीं पूछते हो उससे अब देखो लास्ट क्वेश्चन है लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं देखो एक पाई चार्ट होता है जो डीआई में भी बताऊंगा ये पाई चार्ट है उसपे पर आर्ट मत जाना ऐसा ही आता है मुझे सा हो गया जो अर्थ है हमारी अर्थ उसकी शेप क्या है कौन कह रहा है गोल ऑब्लॉयड शेप बोलते हैं उसको एक तरफ से ऐसी है तो पृथ्वी बन गई है पूरी ऐसी थोड़ी सी गोल होती तो गड़बड़ हो जाती वो ऑब्लॉयड है इसीलिए हम थोड़ा सा ज्यादा सर्वाइव कर पा रहे हैं ओके okay. तो यहां पे जो गोल है ये मान के चलना आर्ट पे मत जाना थोड़ा सा वैसे हो गया है तो ये मानोगे कोई भी एक कंपनी है ठीक है ये पूरी कंपनी के शेयर्स है तो दिस इज व्हाट हंड्रेड परसेंट हुआ ना ये अब ये कितना हुआ वन बाई फोर है ना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 25 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी हो गया हंड हो गया देखो पूरा एक हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट कैसे भी समझ लो हर तरीके समझा दी ठीक है अब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई कंपनी है इज अ कंपनी ओके इसमें या ऐसे समझो जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट क्या हुआ प्रॉफिट वन बाई फोर प्रॉफिट हुआ वन फोर्थ वन फोर्थ प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly. बस रट लिया के वन फोर्थ वन बाई फोर लिख दिया इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है ये आपको हर कोई नहीं बताएगा कि सीख ही लो आप जितना सीख सकते हो बता रहा हूं गुस्से में मत देखो मुझे ठीक है तो वन बाई फोर इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मान लो ये कोई पूरी कंपनी है या मतलब कोई फुल पार्ट है सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर में जो होता है वो टोटल वैल्यू होती है टोटल वैल्यू इसका मतलब ये है कि इसके चार इक्वल पार्ट्स कर दो क्या कर दो एग्जैक्टली इक्वल मत जाना टेढ़ा मेढ़ा हो गया ठीक है ये इक्वल है देखने में बुरा ऐसे ऐसे। इसके फोर इक्वल पार्ट्स कर दो प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इतना जो शेयर लगाए ये तो आएगा ही आएगा उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं कि ये भी बताना पड़ेगा मुझे ओके okay? और अगर इसमें से कुछ घट जाए तो लॉस होता बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट तो इसके डिनोमिनेटर पॉइंट को देखो दिस इज फोर मतलब इसके जो टोटल जो भी शेयर रहा है या कंपनी का उसके फोर इक्वल पार्ट्स कर दिए और जो न्यूमिनेटर का पार्ट होता है दिस इज वन दिस इज द एग्जैक्टली पार्ट विच इज इफेक्टिंग द मेन क्वेश्चन ये कह रहा है ना प्रॉफिट प्रॉफिट तो उसे वन का हुआ है प्रॉफिट उसे वन पार्ट का हुआ है बट कब जब उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो तो कहने का ये फोर इक्वल पार्ट है इसका वन पार्ट कितना है तो उसे इतने का प्रॉफिट हुआ है वन बाई फोर है तो जो डिनोमिनेटर में फोर है तो किसी भी चीज को जिसका भी हम बात कर रहे हैं उस चीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और उसका जो वन फोर्थ हिस्सा है ना ये वाला तो ये जो है जब चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका जो एक हिस्सा है इतने के बराबर प्रॉफिट हुआ है उसे तो ये तो उसे आएगा ही इसको अलग कर दो तो इतना उसे इतना अलग प्रॉफिट हुआ है उसे ये तो उसे मिला ही है पूरा उसे इतना प्रॉफिट हुआ है फ्रैक्शन को समझने की जरूरत है फ्रैक्शन होती क्या है वन बाई फोर का मतलब वैसे तो आपको बताइए ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन जैसे मैं बोलूं टू बाई सेवन एक क्वेश्चन आने वाला है मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी सिटी में एक साल में पॉपुलेशन टू बाई सेवन इंक्रीज हुई टू बाई सेवन इंक्रीज हुई तो इसका मतलब यह है कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी टोटल सेवन तो जो इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है टू यहां पर वन बाई फोर का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है पहले था चार अब चार और एक हो गए पांच तो देखो वन टू थ्री फोर ऑलरेडी पहले थे और एक पार्ट और मिल गया ऐसे यहां पे आओ मैं कह रहा हूं कि देयर इज अ टाउन वहां पर आफ्टर वन ईयर और आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड बाई सेवन का इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ टू बाई सेवन का इट इनिशियल पॉपुलेशन थी सेवन इनिशियल कितनी थी सेवन और इंक्रीज कितने का हुआ जो मेन इफेक्ट होता है ये वाला होता है इंक्रीज की बात चल रही है ना तो दो का इंक्रीज हुआ है तो इट मीनस अब कितनी हो गई ये कॉन्सेप्ट समझो ठीक है यहां पर भी मैंने बताया मैंने कहा कि जब कहीं पर भी यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ वन बाई फोर बाई फोर का प्रॉफिट है इसका मतलब फोर तो है ही उसमें से एक जो हिस्सा है उतने का प्रॉफिट हुआ है तो ये टोटल था इसमें एक का प्रॉफिट और हो गया तो फोर प्लस वन टोटल हो गया फाइव अब देखो वन टू थ्री फोर ये तो थे ही। एक और इस, मिल गया तो 5। अब मैं बोलूंगा लॉस अब मैं ऐसे बोल दूं कि, कि किसी को लॉस हुआ है इस टर्म पे यूज करना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज न्यूमिनेटर प्लेस अब मैं कहता हूं लॉस लॉस हो गया आपका वन बाई फाइव का वन बाई फाइव का लॉस हो गया ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि पहले कितना था फाइव पहले कितना था फाइव लॉस कितना हुआ है तो समझ रहे हो ना यहां पे जो टर्म यूज करते हैं वो ये न्यूमिनेटर वाला होता है एग्जैक्टली exactly. और ये टोटल होता है हमेशा ठीक है तो फाइव पहले था उसमें से वन का हो गया लॉस अब कितना रह गया फाइव माइनस वन अब देखो पाई चार्ट में समझाता हूं ये है इसके फाइव पार्ट्स थे ऐसे करके वन टू थ्री फोर फाइव फाइव इक्वल पार्ट्स थे ठीक है तो टोटल थे फाइव और इसमें से लॉस कितने का हो गया वन का मतलब इस वाले का हो गया लॉस मतलब कोई से भी अब इसे मैंने कर दिया अब मुझ पर कितने रह गए मतलब इतने का लॉस हो गया अब उस पर इतना बचा बस अभी हो सकता है कि आपको क्लैरिटी से समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट कराऊँ अभी जाना नहीं है ये क्वेश्चन कराऊँगा अभी ठीक है ये मैं दोबारा स्टार्ट करवा सकता हूँ ठीक है बस नाश्ता वगैरह अच्छे से करके आना सोना मत क्लास में ओके अब देखो ये मैं क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ना उसको थोड़ा सा कराता हूँ और इसी में बाद में भी दोबारा स्टार्ट करा दूंगा if population of a town increases by 14 2 by 7% percent, 1 by 7 very good kya baat hai in first year and 25% percent increases in second year 1 by 4 theek hai after two years population is 4100. find initial ये मैं आपको बता देता हूं Tension लेना मत समझ में आ जाए अच्छी बात है और नहीं आए तो इतनी अच्छी बात नहीं है <laughs> अगली क्लास में मैं यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा ठीक है तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा लेकिन जितना मैंने बताया है ट्राई टू तो अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू तो री अटेम्प्ट इसे समझने में और कभी कभी क्या होता है कि अभी समझ में आना बंद हो गया होगा क्योंकि जितनी एनर्जी आप लेके आए हो वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और वैसे भी आपका मन तो कर ही नहीं रहा होगा पढ़ने का वो तो मैं ही जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ चलो इफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 14 टू बाई सेवन परसेंट देखो करने के तरीके कहीं है लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझो फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट का मतलब क्या होता है वन बाई सेवन इट मींस इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी सेवन इंक्रीज कितनी हुई ये फर्स्ट ईयर चल रहा है क्या चल रहा है ये फर्स्ट ईयर टोटल थी सेवन और इंक्रीज हो तो प्लस वन अब टोटल फाइनल कितनी हो गई आफ्टर वन ईयर अब एट हो गई है अगेन सेकंड ईयर में वन बाई फोर सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज वॉट वन बाई फोर इट मीन्स सेकेंड ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी फोर इंक्रीज कितनी हुई टोटल कितनी हो गई फाइव ये तरीके होते हैं करने के नहीं तो सिर्फ वैसे करोगे एक्स वगैरह मान के तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा तो ये आपका तरीका है पूरा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा अब इसमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो सेवन फोर सेवन इंटू फोर पक्का ट्वेंटी एट एट इंटू फाइव फोर्टी अब देखो ट्वेंटी एट एंड फोर्टी इसमें और कुछ कॉमन है कैंसिल कर सकते हैं फोर से कर सकते हैं अभी फोर सेवन टाइम्स एंड फोर से टेन टाइम ठीक है अब हमारे पास सेवन एंड टेन ये वैल्यू आ गई तो ये जो है दिस इज इंडिकेटिंग इनिशियल पॉपुलेशन एंड दिस इज फाइनल पॉपुलेशन इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन दी है आफ्टर टू ईयर्स आफ्टर टू ईयर्स पॉपुलेशन कितनी है फोर्टी वन हंड्रेड मतलब कि फाइनल पॉपुलेशन दो साल बाद कितनी है फोर्टी वन हंड्रेड तो फाइनल पॉपुलेशन का नंबर क्या है टेन इट मींस दिस टेन इज इक्वल टू फोर्टी वन हंड्रेड देन वन इज इक्वल टू फोर वन जीरो वही उसी तरीके से फोर वन जीरो तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट इनिशियल पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन क्या है सेवन इफ वन इज इक्वल टू फोर वन जीरो देन सेवन इज इक्वल टू सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे टू एट सेवन ज़ीरो मुझे पता है कि समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है बाद में बता दूँगा ठीक है आ गया थैंक यू वेरी मच नहीं मुझे भी अच्छा लगता है मुझे उम्मीद नहीं थी हाँ लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में लेकिन फिर भी इन द नेक्स्ट क्लास वैसे तो मुझे याद रहता है नहीं आजकल थोड़ा सा काम आप लोगों से कम काम है लेकिन है थोड़ा बहुत मुझे भी काम रहता है आप लोगों से ज़्यादा नहीं तो अगर मैं भूल जाऊँ तो बता देना तो मैं यहीं से स्टार्ट कराऊंगा वो, वो वन बाई फोर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट द्वारा समझा दूंगा ओके okay? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं फॉर्मेलिटी करके जाऊँ सबको समझ में आना चाहिए उससे पहले एस सी एफ एल सी एम कम्प्लीट उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और परसेंटेज को जो इनिशियल क्वेश्चन कराए हैं कम क्वेश्चन नंबर कम से कम क्वेश्चन नंबर सिक्स तक तो समझ में आ ही गया होगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन एट भी समझ में आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आया है तो आप पूछोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन नंबर नाइन शॉर्ट अप्रोच वाला था कि आपको कैसे अप्रोच करना होता है जैसे टू बाई सेवन दिखा तो वन बाई सेवन को अलग करो क्योंकि आपको परसेंटेज में उसकी वैल्यू पता है ऐसे करके और नहीं है इफ़ यू कैन टेक योर टाइम यू हैव इनफ टाइम देन यू कैन गो विद योर ट्रेडिशनल वे एज यू नो नाउ क्वेश्चन नंबर टेन मैं अब दोबारा डिस्कस कराऊंगा इसे ओके okay? मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ मुझे लगता है मैं ख्याल रखता हूँ आपको लगता होगा कुछ ख्याल नहीं रखते लेकिन हाँ मैं आपका इतना ख्याल रखता हूँ तो आप लोग भी मेरा ख्याल रखिए पढ़ते रहो ये मत सोचना सर तो इसलिए पढ़ाते हैं पैसे मिलते हैं ये वो ठीक है सोचते हैं ना लोग अरे सर को तो पढ़ाना है कुछ भी पढ़ाना है मेरा वो सिस्टम नहीं है अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे पैसे तो मैं घर से ही मंगाता हूँ ज़्यादातर अभी भी ठीक <laughs> है तो ये मत सोचना कि आपके पैसे के भरोसे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे जो भी डिलीवर कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट देना मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी से मिलती है बस और जब रिज़ल्ट आना कम हो जाते हैं मुझे लगता है कि एक वो होता ना जवाबदेही बोलते हैं आपकी क्या अरे टर्म है उसके लिए भूल गया मैं चलो अभी भूल गया है। लेकिन आपकी जवाबदेही होती है मतलब आप यहां पर कर रहे हो तो मैं खुद से ही सेल्फ असेसमेंट करता हूं तो मुझे ये दिखना चाहिए कि कुछ मिल रहा है, पैसे का कुछ नहीं पैसे में तो कुछ इंटरेस्ट लगा के आज के दो साल बाद भी पैसे की वैल्यू तो वही रहती है ठीक है लेकिन मेन चीज ये होती है कि इतने टाइम में ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हमने क्या किया दैट्स द रियल अर्निंग जो भी लोग बनेंगे पहले भी मैंने इतना जितना भी डिलीवर किया है बहुत अच्छी अच्छी जगहों वहाँ पर लोग गए भी हैं एक बार तो मैं आर ऑफिस में गया था अपने भाई के साथ किसी काम से तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी तो मैं वैसे ही बाहर खड़ा हुआ था तो मुझे नहीं पता था तो लाइन बहुत लगी थी कम से कम उसमें दो ढाई घंटे से पहले नंबर नहीं आता अब अंदर से आवाज़ आती है मेरे नाम की तो उसके अंदर जो बैठा हुआ था जिसके लिए लाइन लगी हुई थी वो मेरा स्टूडेंट निकला अब मुझे पता ही नहीं था अब उसने आवाज़ दी मैं देख रहा। उसमें दिखता नहीं है ना वो विंडो टाइप की होती हैं मैंने कौन आवाज़ दे रहा है और वैसे भी मेरे जानने वाले बहुत कम रहते हैं मैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स में जैसे अभी भी जाऊँ तो लेस देन वन परसेंट चांस होता है कि कोई मिले क्योंकि मैं मेरी ज़्यादा कनेक्शन्स है नहीं बनाता नहीं हूँ तो आवाज़ आई तो उसने मुझे अंदर बुलवाया तो एक जो गार्ड होता है वो मुझे अंदर लेके गया अरे सर हमें मैंने भाई तो पहले तो मैं पहचान नहीं पा रहा था मैंने भाई मैंने पहचाना नहीं तो बुरा लग जाएगा ना तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया मैं तो मैं जानता हूँ फिर उसने बताया सर आप वहाँ पर पढ़ाते थे मैंने अच्छा 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 ठीक है सर आपका काम क्या है अरे कुछ नहीं वो अरे भैया और लेके सारे पेपर्स ले लियो फटाफट रिसिफ्ट वगैरह जो भी देनी थी हो गया काम तो जो वो वहाँ पे वो जो ऐसे और भी एक्सपीरियंस हुए हैं एसबीआई में एक पीओ के पोस्ट पे जो होता है वो भी एक मेरा स्टूडेंट था मेरे स्टूडेंट में मुझ में मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता तो उससे और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं मार्केट में मिल जाते हैं एक्चुअली आई कम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस डेली यूनिवर्सिटी वहाँ पर उस एरिया में पढ़ाना ही मैंने इसलिए बंद कर दिया एक बार मैं जा रहा था तो एक दो स्टूडेंट थे वो अपनी फैमिली के साथ थे वो आगे मेरे पैर छूने लग गए और वो देखने में मुझसे ही बड़ा देखने में मुझसे बड़ा लग रहा था मैंने उसे रोका तो एक स्टूडेंट का टीचर का जो जो मानते हैं नहीं देखने को मिल सकता लेकिन डीप कनेक्शन होता है तो वो फिर अब वो अब मैं इतना नाराज हो गया मिलो आपको चलना पड़ेगा मैं खाऊंगा मुझे ये है वो है अरे तो सर ये खा लीजिए मैंने मेरा व्रत है मेरा फास्ट है अरे सर लस्सी बहुत जबरदस्त मिलती है वो पीछे ही पड़ गए हालांकि थोड़ा सा वो लेकिन ये जो चीज होती है ना कभी कंपैरिजन करना पैसा क्या है मनी से कंपेयर नहीं कर सकते आप इन चीज़ों को हालांकि बाद में मेरे साथ जो मेरे भाई वगैरह थे उन्हें बहुत अच्छा लगा उन्होंने बाद में बताया कि दैट्स अ गुड थिंग तो ये चीज़ें हैं इन चीज़ों के लिए मतलब मैं टाइम निकालता हूँ अदरवाइज सर को क्या है सर को तो पढ़ाना है पैसे <laughs> वो तो अपनी अपनी वो है तो आई विल स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चन डोंट वरी अबाउट दैट